हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है हरे कृष्णा टीवी द्वारा प्रस्तुत इस बहुत ही पसंदीदा कार्यक्रम में, जिसका नाम है एक मुलाकात कृष्ण भक्त के साथ। अनेकों बार हम जीवन में अनेकों परिस्थितियों में अपनी राह पे चलते चलते अनेकों लोगों से मिलते हैं, और हरे कृष्णा टीवी आपको घर बैठे बैठे ऐसे ही अनेकों कृष्ण भक्तों से मिलाता है जिन्होंने अपना जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तित कर लिया है कृष्ण को समर्पित करने के लिए। और इस शो में आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं ऐसे ही हमारे एक बहुत ही सुंदर कृष्ण भक्त से। आज की जो हमारी कृष्ण भक्त हैं, उन्होंने कृष्ण भावनामृत को अपने विवाह के बाद अपनाया था। उनका जन्म जन्माष्टमी की पावन तिथि पर इतावह में हुआ था, और उन्होंने इतावह उत्तर प्रदेश में आता है। उन्होंने अपना एमए किया हुआ है तथा उन्होंने म्यूजिक में अपना प्रभाकर भी किया हुआ है। 2007 में शादी के तुरंत ही बाद वे दिल्ली चले गए थे, और वहीं से उनकी कृष्ण भावनामृत की जर्नी शुरू हुई थी। शुरू क्या हुई थी, ये दोनों दाम्पत्य मिलकर बड़े ही सुंदर रूप से भगवान श्री हरि के नामों का प्रचार भी कर रहे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने 2013 में करीब करीब 10,000 भक्तों के साथ इतावह में उत्तर प्रदेश में बहुत ही सुंदर सी भव्य रथ यात्रा निकाली थी, और उनके गुरु ने उनके पति तथा इनको इंस्ट्रक्ट किया, आदेश दिया कि आप जाइए लखनऊ में और वहां पर प्रचार करना शुरू कीजिए। तभी से हिज ग्रेस अपार में श्याम प्रभु जी बहुत ही सुंदर रूप से लखनऊ के प्रेसिडेंट के रूप में प्रचार कर रहे हैं, तथा माता जी उनको बहुत ही सुंदर रूप से सहयोग कर रही हैं। उनके पति के आदेश अनुसार 2018 में उन्होंने इस्कॉन गर्ल्स यूथ फोरम में प्रचार करना शुरू किया, और वे बहुत ही सुंदर रूप से अनेकों प्रवचन दे रही हैं गर्ल्स को अपने जीवन में कृष्ण भावनामृत को अपनाने के लिए एक रास्ता दिखा रही हैं। इतना ही नहीं, वे सुबह में बहुत ही सुंदर जप साधना सेवा करती हैं, कीर्तन सेवा में विलीन हैं, तथा भगवद गीता सुबोधनी की क्लासेस भी लेती हैं। ऐसी सुंदर सी हमारी भक्त का नाम है अचिंत्य रूपानी माता जी। बहुत बहुत स्वागत है माता जी आपका। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा टीवी के सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे आज ये मौका दिया आप सबके बीच में आने का। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा भी सौभाग्य है माता जी कि आज हम आपके साथ में आपके ब्यूटीफुल सी कृष्ण भावनामृत की जर्नी के बारे में जानेंगे। तो यदि आपकी परमिशन हो माता जी, तो हम शुरू करते हैं हमारा आज का शो एक मुलाकात कृष्ण भक्त के साथ। मैं कुछ बोलना चाहूंगी। जी माता जी, मैं भक्त तो नहीं, बस दास दासानुदास बनने का प्रयास कर रही हूँ। अभी भक्त तो बहुत दूर है, अभी दास की श्रेणी में हूँ और सदा दास ही बनकर रहूंगी। हरे कृष्णा, यही तो माता जी एक क्वालिफिकेशन होता है डिवोटी का, कि वो अपने आप को जीवेर स्वरूप हो नित्यर कृष्ण दास, वो अपने आप को दास के रूप में ही हमेशा अपने आप को देखते हैं। चलिए माता जी, इसी के साथ हम आपसे जानना चाहेंगे, हमने जैसे कि सुना कि विवाह के साथ आपकी ये जर्नी शुरू हुई कृष्ण भावनामृत की, परंतु इसके पहले आपका बाल्यपन कैसा था, आपकी पढ़ाई के दिन कैसे थे, ये सब कुछ हम आपसे जानना चाहते हैं माता जी। तो माता जी, बचपन से ही ना मेरा थोड़ा सा पूजा पाठ इन सब में रुचि थी, क्योंकि ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था तो बचपन से ये सारी चीजें देखी थी। तो हमारे घर में दुर्गा देवी की पूजा होती थी, तो वो देखकर मेरा भी झुकाव उसी साइड था। तो लेकिन बचपन से ही ना मैं थोड़ा सा सीधा और शांत रहने के बैठने वाली थी। मेरी ज्वाइंट फैमिली थी, तो घर में चाचा ताऊ सारे लोग और उनके सारे बच्चे, तो सब शैतानियां करते लेकिन मैं एक कोने में आराम से बैठी रहती। तो अकेले रहना और ये सारी चीजें। और जब मुझे कभी ऐसा लगता कि ना मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, या कभी ऐसा होता कि मन खिन्न होता, तो ना मुझे हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन फिर भी मैं मन ही मन महामंत्र का जप करने लगती। तो महामंत्र जैसे कि आम, जैसे हम लोग चैतन्य महाप्रभु जी ने बताया
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लेकिन बाहर के जो वो और लोग हैं वो हरे राम 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 हरे हरे ऐसे करके शुरू करते हैं। तो मुझे, मैं भी हरे राम 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 हरे हरे ऐसे करके मंत्र का जप करने लगती थी जब मुझे कुछ ऐसा लगता था कि मैं नर्वस हूँ, परेशान हूँ, या मन में कहीं खिन्नता है। और माता जी, एक और बात थी बचपन में, मैं ना कार्तिक मास के विषय में कुछ जानती नहीं थी, क्योंकि ना तो हम भक्ति में आए थे ना कुछ जानते थे, लेकिन फिर भी जब भी कार्तिक मास आता था तो मुझे लगता था ना कि मुझे भी कार्तिक में स्नान करना है। तो मैंने कई बार मम्मी से बोला भी कि ना मम्मी, मुझे भी कार्तिक में जल्दी सुबह उठ के स्नान करना है। तो घर में सब मना कर देते, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, सर्दी लग जाएगी, वो उस समय मौसम भी वैसा होता है। तो कहा नहीं नहीं उसमें कुछ नहीं करना आपको। लेकिन मैं चुपचाप छुपके से उठती थी जिससे कोई जान ना पाए, और मैं स्नान करके पूजा करके सो जाती थी। तो ऐसा ही चला रहा बचपन। जी ये बड़ा ही यूनिक बचपन है माता जी, है ना। ये बहुत ही रेयर बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें बाल्यपन से कृष्ण भावनामृत में ना होते हुए भी उनका एक नेचुरल बेंड होता है आध्यात्मिक कार्यों की तरफ। हम यूजुअली देखते हैं कि बच्चे उठकर चुपके से चॉकलेट खा लेते थे, बच्चे उठ के चुपके से अपनी मन पसंदीदा गेम खेलने चले जाते हैं, पर यहाँ पर तो ये बहुत ही यूनिक और बहुत ब्यूटीफुल बात है कि कैसे आप चुपके से कार्तिक मास में सुबह में नहाने चली जाती थी और पूजा करके सो जाती थी। एक्चुअली माता जी, मुझे लगता है ये आप जिस घर परिवार से हैं उसका भी इफेक्ट होगा। बिल्कुल, आपका तो अपब्रिंगिंग है, कुछ चीजें आपको नेचुरली आपके कर्मों और जन्मों के अनुसार पिछले जन्मों से प्राप्त हुई होगी बाल्यपन से, पर आप जिस परिवार में रहे हैं, क्योंकि आपने सुना होगा शायद कि सुबह में कार्तिक में उठ के लोग नहाते हैं, तो आपको भी एक बच्चे की तरह लगा होगा कि हाँ सब करते हैं तो मुझे भी ये करना हाँ, चाहिए। आम तो जैसे कि भक्ति में आने के बाद यहाँ तो पता चला कि कार्तिक बड़ा विशेष मंथ है, लेकिन बाहर लोगों को ये ना कि कार्तिक स्नान, कार्तिक नहाना इस चीज का ज्यादा है। तो जब मैं कार्तिक का नाम सुनती थी ना, तो एक मन में एक हर्ष, एक खुशी आती थी कि ना मुझे भी करना है कार्तिक का। तो ऐसे करके मैं थोड़ा थोड़ा कोशिश करती थी सब। और घर में ना ये भी है कि ना बच्चों को ना अगर हम कुछ बोलते हैं कि ना आपको ऐसा करना है ऐसा करो, तो बच्चे वो इतना जल्दी नहीं सुनते। बच्चे वो सुनते हैं जो आप, जो आपको देख रहे होते हैं। तो जैसे माता पिता को बच्चे देखते हैं तो फिर उन्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपको ऐसा करना है, वो खुद ब खुद वैसे ही करने लगते हैं, वैसे ही सीख जाते हैं। तो बच्चों को अगर कुछ भी सिखाना है, कुछ भी करवाना है, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं, आप खुद से वो करने लगेंगे तो वह खुद ब खुद आपको फॉलो करेंगे फिर। ब्यूटिफुल, ये बिल्कुल सही बात कही आपने माता जी, कि उनको सिखाने से ज्यादा उनके आचरण, माता पिता के आचरण, परिवार वालों के आचरण से वो ज्यादा जल्दी ग्रास्प करते हैं चीजों को। सो माता जी, ये तो आपकी बाल्यपन की कहानी रही। फिर आप जब बड़े हो रहे थे तो कैसा वातावरण था? आप क्या चीजों से बहुत इंस्पायर होते जा रहे थे एज अ टीनेजर और एक नव युवक के रूप में? आपके एस्पिरेशंस, थॉट्स कैसे थे माता जी? तो माता जी, मेरा जैसे जैसे हम बड़े होते गए तो मेरा बाहर लोगों से मिलने का, बात करने का, अकेले में रहने का मन करता था। तो मेरा ज्यादातर समय स्टडी और पूजा में ही जाता था। तो मुझे 2 घंटे सुबह पूजा, 3 घंटे शाम को, तो ऐसे करके समय निकल जाता था। तो और मेरा थोड़ा सा जब बड़े होने पर मेरा झुकाव शिव जी की तरफ हुआ, तो शिव जी की आराधना, उनकी पूजा, ये मैंने शुरू कर दी। और बाहर की दुनिया में किसी से मिलने का या बात करने का ज्यादा वो नहीं था। और मैं जब घर से बाहर भी निकलती तो मैं अकेली नहीं जाती थी, मुझे लगता कोई ना मेरे साथ चले, मेरे साथ होगा ना तभी हम बाहर निकलेंगे। तो ऐसे ऐसे करके जब खुद को बिल्कुल, अभी जब सोचती हूँ तो लगता है ये कैसे कैसे करते थे, क्या था। तो ऐसे ही था बचपन का। बहुत सुंदर माता जी, ये बहुत ही यूनिक चीज है जो आप बता रहे हैं, एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहना, ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करने की इच्छा नहीं रखना। शिव जी की ऐसी कौन सी चीजें थी माता जी, जैसे आपने कहा कि आपको नेचुरली पहले दुर्गा जी के लिए आप अट्रैक्टेड थे, फिर बाद में आपको एक शिव जी के लिए नेचुरल इंक्लिनेशन आया, तो वो कैसे शिफ्ट हुआ माता जी? हाँ, तो माता जी, मुझे ना जब सबसे घर में सुना और आसपास सुनते थे ना कि भोलेनाथ शिव जी भोले हैं, ना बहुत ही भोले हैं, छोटी छोटी सेवाओं से भी खुश हो जाते हैं, तो मुझे लगता था कि ना भोले बाबा को कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ जल चढ़ाओ, दीपक दिखाओ, लेकिन नियम से करो।
तो मुझे उनका जो भोलापन और ये सारी चीजें जो उनकी सुनते थे तो उससे अट्रैक्ट थे, तो मुझे शिव जी की साइड झुकाव हुआ था। तो हमारी भोली सी माता जी को भोलेनाथ बड़े पसंद आ गए माता जी, बहुत। मैं भोली नहीं हूँ, मेरे अंदर बहुत सारे विकार, बहुत सारी बुराइयां। फिर उस समय पे जैसे आप बता रहे हैं, एक नवयुवक जी का अपने इंद्रियों पे संयम होना, अपने बाहर जाना तो भी किसी किसी व्यक्ति का साथ होना, स्टडीज में अपना इंक्लिनेशन रखना, ये बहुत रेयर होता है। तो यस, आपका अपब्रिंगिंग जो ऐसा है माता जी, उस पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट करता है। फिर माता जी, आपके कुछ एजुकेशन के बारे में हम जानना चाहेंगे। आपने एजुकेशन में क्या परस्यू किया और कैसे आपको उसकी तरफ एक झुकाव आया? हाँ, तो एजुकेशन मेरी साथ में चल रही थी, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मुझे ज़्यादा लोगों से मिलना या जाना बैठना पसंद नहीं था। तो मैंने 12th करने के बाद मैंने मम्मी पापा को ये नहीं बताया कि मैं ऐसा सोचती हूँ। तो मैंने सोचा मैं ना इटावा से ग्रेजुएशन करूँगी नहीं, तो मैंने सोचा मैनपुरी से करूँगी ना, तो वहाँ पर जाने का कुछ होगा ही नहीं, तो डेली जाना नहीं पड़ेगा, ना किसी से मिलना ना किसी से बात करनी। तो ग्रेजुएशन मैंने वहां से किया मैनपुरी से, उसके बाद मैंने वहीं से एमए किया। फिर एमए के बाद फिर मेरी शादी हो जाती है, 2006 में मेरी इंगेजमेंट होती है। तो यहाँ से मेरे जीवन में एक बड़ा बदलाव आता है। फिर जब 2006 में मेरी इंगेजमेंट होती है तो प्रभु जी का साथ मिलता है। तो प्रभु जी ने ना इंगेजमेंट में मुझे एक मोबाइल फोन गिफ्ट में दिया था। तो मोबाइल फोन गिफ्ट में इसलिए दिया था जिससे जब चाहे हम बात कर सके, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली थी, लैंडलाइन नंबर था, उससे हम बात नहीं कर सके थे। तो जब भी हम आपस में बात करते तो हमारी सिर्फ आध्यात्मिक चर्चा ही होती। तो प्रभु जी जब भी मंदिर से आते और जो क्लास में उन्होंने सुना होता वरिष्ठ प्रभु जी से, उनसे, तो वो सारी चर्चाएं वो करते कि आज ऐसे ऐसे है, इस्कॉन में ये होता है, हमें ये नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो हम लोगों की घंटों स्पिरिचुअल चर्चा होती। तो एक बार प्रभु जी ने बताया कि ना हमें क्या चाय कॉफी को नहीं पीना चाहिए, ऐसा मना किया है आज प्रभु जी ने। तो हमने कहा कोई कोई बड़ी बात नहीं है ना, हम ऐसा करते हैं चाय कॉफी आज से छोड़ देते हैं। तो हम लोगों ने ऐसे ही बात करते करते चाय कॉफी को ऐसे ही छोड़ दिया, चाय कॉफी को छोड़ दिया। तो ऐसे करके हमारी इंगेजमेंट मई जून इस जैसे 9 महीने तक हम लोग की शादी की थी। फरवरी में हम लोग की 2007 में शादी हुई। तो शादी के बाद फिर हम लोग दिल्ली चले गए, दिल्ली में जाके भक्तों का संग मिला, ईस्ट ऑफ कैलाश हम लोग मंदिर जाने लगे। तो ईस्ट ऑफ कैलाश में हम लोग क्लास करते, खास तौर से प्रसादम पे अट्रैक्ट, टेस्टी टेस्टी प्रसादम। तो हम लोग सैटरडे संडे को जाते और प्रसादम लेते। और फिर जब एक दिन वहां से लौट रहे थे तो एक घर में सब्जियां खत्म हो गई थी। तो मन में आया कि ना सब्जी लेनी है, सब्जी लेते लेते ऐसे विचार आया कि ना क्यों ना प्याज लहसुन को ना लिया जाए, प्याज लहसुन नहीं खाना तो प्याज लहसुन को नहीं लेते। तो मैंने प्रभु जी से पूछा, मैंने कहा ऐसा करे ना कि प्याज लहसुन को ना लें तो? उन्होंने कहा बिना प्याज लहसुन के रह पाओगी? क्योंकि छोले, राजमा, पनीर, ये बहुत सारी सब्जियां जो बिना प्याज लहसुन के नहीं अच्छी लगती। तो मैंने उनसे कहा मैं करके देखते, अगर नहीं रह पाएंगे तो फिर शुरू कर देंगे। तो हम लोगों ने ऐसे करके शुरुआत की। फिर उस दिन के बाद दूसरे दिन कभी भी प्याज लहसुन को लेना ही नहीं पड़ा और ना ही उसकी जरूरत पड़ी। बहुत सुंदर। ये बहुत ही यूनिक चीज होती है माता जी। एक तो भगवान के कभी भी भक्ति जो होती है वो अकेले नहीं हो पाती है, और जीवन साथी के साथ यदि हम इस भक्ति को अपना लेते हैं तो इससे सुंदर और चीज नहीं होती। और जैसे आप बता रहे हैं, 2006 में एक पूरा वाइड चेंज आपके जीवन में आया, और कैसे आप लोग आध्यात्मिक बातें किया करते थे, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपने साथ में डिसाइड किया कि अब हम चाय कॉफी नहीं पियेंगे। फिर धीरे धीरे करके आपने स्टेप्स लिए और बहुत ही ब्यूटीफुली आपने कांदा लहसुन भी छोड़ा, और ये अपने आप से मेरे ख्याल से आपको जो अंदर से विचार आया, दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। और साथ में जब भी ये किया जाए तो बहुत ही सुनहरा सफर हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि अगर एक वीक हो रहा है तो दूसरा हमें सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल हमारे साथ खड़ा है। फिर माता जी, फिर आगे मैंने जैसे कि आपने देखा कि आपने प्रभाकर किया है म्यूजिक में, तो आप नेचुरली इंक्लाइन थे म्यूजिक के लिए माता जी? मुझे शुरू से ही पसंद था म्यूजिक, बचपन से ही पसंद था।
तो मैं म्यूजिक की साइड मैंने मैनफ्री में भी जब ग्रेजुएशन किया, बीए किया, मैं जब वहां गई तो वहां पे भी मैंने म्यूजिक को, मैंने घर में मम्मी पापा को यही बोला ना कि मुझे म्यूजिक लेना है इसलिए वहां जाना है। तो मैंने ये नहीं बताया कि मैं क्यों नहीं यहाँ पे करना चाहती, क्योंकि मुझे किसी से मिलना जुलना नहीं है, बैठना नहीं है। तो म्यूजिक का शुरू से ही था, शुरू से ही। ब्यूटीफुल माता जी, फिर जब आपने कांदे लहसुन छोड़ दिया था, फिर आपके जीवन में आपको क्या परिवर्तन लग रहा था? आप कृष्ण भावनामृत ठीक में कैसे और आगे बढ़ते गए? तो 2006 में ना मेरे जीवन में एक चमत्कार हुआ ना, एक चमत्कार, जब प्रभु जी मिले मुझे। शायद प्रभु जी मुझे ना भोले बाबा कहते ना, भोले बाबा की साधना के कारण ही मिले। तो शिव जी के कहते ना, शिव जी और हनुमान जी की जो साधना करते हैं ना, तो उन्हें कृष्ण भक्ति मिलती ही मिलती है। तो जब मेरी, जब उससे पहले जब प्रभु जी से बात नहीं होती थी, जब हम नहीं मिले थे, तो उससे पहले कृष्ण ना हमें सिर्फ जन्माष्टमी को याद आते थे और बाकी दिनों में कृष्ण याद नहीं आते थे। लेकिन माता जी इतना इतना था कि ना, जब मैं जन्माष्टमी पे, मेरा जन्मदिन होता है, तो जन्माष्टमी का ना फिर भी मैं उस दिन फास्ट रखती थी और पूरे दिन व्रत रहना। और फिर वहां आम में जैसे रात में 12 बजे फिर जन्म हो जाने के बाद फिर अन्न प्रसाद ले लेते हैं, तो ऐसे करके मैं 12 बजे लेती थी। तो घर में सब लोग बोलते भी थे ना, आज तुम्हारा जन्मदिन है, आज तो रहने तो उनका नाना, आज जन्माष्टमी है, आज ठाकुर जी का जन्मदिन है। तो ना ऐसे करके हमें जन्माष्टमी और भगवान का जन्मदिन बनाना है। तो बचपन से ही मैंने जन्माष्टमी का व्रत रखा। और जब हमारी शादी हुई 2007 में, शादी के बाद धीरे धीरे हम लोगों का आध्यात्मिक जीवन की तरफ झुकाव और ज्यादा बढ़ता गया। फिर ना पहले तो दूर से एक दूसरे का सहयोग कर रहे थे, फिर पास आ गए थे, फिर और अच्छे ढंग से कर पा रहे थे। तो एक बार ना प्रभु जी बैंक से लौटते हैं, तो प्रभु जी कहते हैं ना कि ना मुझे लगता है ना कि मैं अपनी सेवाओं से अच्छे से संतुष्ट नहीं, जैसा मुझे सेवा करनी चाहिए ना वैसे मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ना जॉब में जाना, सुबह जल्दी निकल जाना, रात में आना, बचे हुए राउंड्स को पूरा करना, ना तो प्रचार हो रहा है ना अच्छे से सेवा हो रही है। तो तुम्हारा क्या विचार है अगर मैं जॉब से रिजाइन दे दूँ तो? जब मैंने प्रभु जी की बात सुनी तो मैंने कहा ठीक है, कोई नहीं, अगर आपकी इच्छा है तो ऐसा कर लेते हैं, जॉब से रिजाइन दे देंगे और फिर अपने घर चलेंगे इटावा, वहां जाके प्रचार भी करेंगे, भक्ति भी करेंगे। क्योंकि मनुष्य जीवन जब मिला ही इसलिए है कि भक्ति करनी है, तो फिर क्यों समय को बर्बाद किया जाए? और समय भी नहीं पता हमारे पास कितना है, बहुत ही कम समय है हमारे पास। तो हम दोनों लोगों ने ऐसे डिसाइड किया और हम लोग 2008 में इटावा आ गए। जब 2008 में इटावा आते हैं तो वहां पर थोड़ा सा ना हमारे घर में प्याज लहसुन तो वहां बनता ही था, तो वहां आके थोड़ा सा, लेकिन हम जब उनसे बोला कि ना मम्मी हम लोगों ने प्याज लहसुन ऐसे छोड़ दिया है, तो हमारे घर में भी तो मम्मी पापा दादी सभी लोग, ससुराल में भी सभी लोग सपोर्ट करते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है छोड़ दिया, तो घर में फिर सभी ने छोड़ दिया, किसी ने भी मतलब घर में भी प्याज लहसुन बनना ही बंद हो गया। फिर धीरे धीरे ऐसे ही हमारी जर्नी चलती रही। फिर प्रभु जी ने अपना दो लोगों से भक्ति की शुरुआत की, संकीर्तन शुरू किया, एक एक दो दो लोग माता जी घर आते और 6-6 घंटे बैठे रहते। अब कभी कभी तो ना मुझे बड़ा ही खराब लगता, मैंने कहा अभी यार इतना समय हो गया और 6-6 घंटे एक लोग बैठे, इतना टाइम हो गया और बिल्कुल समय ही नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल मतलब ही नहीं है। फिर मैं ना खुद से ही अपने आप से सोचती कि ना जब हमने जॉब को छोड़ा, हम जब आए हैं, तो ना हमारा मकसद ही यही था कि भक्ति करना, सेवा सेवा करना। तो फिर मैंने प्रभु जी से कभी इस बात की शिकायत नहीं की कि ना आप मुझे समय नहीं देते, आप ऐसा है वैसा है, मैं खुद से ही प्रश्न करती, खुद से ही आंसर ले लेती कि ना जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है, हमें उसमें सहयोग करना चाहिए। एक दिन प्रभु जी आते हैं, मुझसे पूछते हैं कि ना तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं चाहता हूँ कि मैं अभी तो सिर्फ सत्संग में ही धोती कुर्ता को पहनता हूँ, अब मेरी इच्छा है ना मैं पूरे टाइम धोती कुर्ता ही पहनूँ, मैं और कोई वस्त्र ना पहनूँ। तो मैंने मैंने कहा ठीक है, मेरी मेरा इसमें कुछ नहीं, आप जैसे भी हैं मेरे लिए ठीक है, आप चाहे धोती पहने या कुछ और पहने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मम्मी को, घर वालों को पता चला, तो मम्मी को थोड़ा सा बुरा लगा। मम्मी ने, मम्मी बोली कि ना अगर तुम ये धोती कुर्ता ही पहनोगे ना, अब कहीं शादी में जाओगे, रिश्तेदारी में जाओगे, तो क्या यही पहन के जाओगे या उस समय बदल लोगे? तो उन्होंने कहा नहीं, अब कभी नहीं, अब तो यही पहना जाएगा। तो
ऐसे करके धीरे धीरे फिर प्रभु जी का धोती कुर्ता शुरू हुआ। एक दिन उन्होंने बाल अपने छोटे छोटे करा लिए। पहले उनके बाल होते थे पूरा, वो तेरे नाम में नहीं है, वो उसके जैसे, तो वैसे बाल, तो उनके वैसे बाल होते थे। फिर उन्होंने बिल्कुल छोटे छोटे बाल करा लिए। अब सब देख के बड़े हैरान, घर में ये क्या हो गया, ये क्या कर लिया। तो इन्होंने पहले ही मुझसे पूछ लिया था कि ना ऐसा करवा सकते हैं, ऐसा कर लूं, ठीक है। मैंने कहा ठीक है। तो अब जब मम्मी को पता चला तो मम्मी कहती ना, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है, तुम कभी किसी चीज के लिए मना ही नहीं करती हो। जब बोला हाँ कैसा करना है तो बोला हाँ ठीक है। क्या हालत बना रखी है तुम लोगों ने अपनी, कैसे थे और कैसे हो गए हो। तो ऐसे करके धीरे धीरे ना माता जी आध्यात्मिक जीवन चलता रहा। लोग 2 से फिर 200 हुए, फिर धीरे धीरे से प्रभु जी ने 2013 में जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली। जगन्नाथ रथ यात्रा में काफी संख्या में भक्त इकट्ठे हुए, क्योंकि इटावा एक छोटी सी जगह में भक्तों को इकट्ठा करना और इतना भक्ति का माहौल करना बड़ा ही मुश्किल है। तो हमारी रथ यात्रा जब हम लोगों ने पहली बार निकाली तो इटावा से 10,000 लोग इकट्ठे हुए, और कानपुर से, आगरा से, बाहर से भी भक्त लोग आए। तो बहुत अच्छे से रथ यात्रा निकली। और प्रभु जी ने बोला था वहां सबको कि ना जब जगन्नाथ जी निकलेंगे ना, किसी की शॉप के सामने से निकले, किसी के घर के सामने से निकले, तो इतना तो आपको करना है कि ना फूलों की वर्षा करनी है सबको। तो माता जी इतना फूल जगन्नाथ जी के ऊपर, जब जगन्नाथ जी का रथ आगे निकला ना, तो पीछे रोड पे फूल ही फूल, इतने फूल। तो बहुत अच्छे से जगन्नाथ रथ यात्रा, जन्माष्टमी प्रोग्राम और गौर पूर्णिमा, राधा अष्टमी। पहले ना माता जी हम लोग के छोटे छोटे ये सारे प्रोग्राम अपने छोटे से जो घर था ना उससे ही करते थे। फिर धीरे धीरे जब भक्तों की संख्या बढ़ी, फिर हम लोगों ने मैरिज मैरिज हॉल लेना शुरू किया, तो हम लोग फिर उसको थोड़े से बड़े रूप में करने लगे, ज्यादा भक्त हुए। तो धीरे 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 जब ऐसे जब गुरु महाराज ने एक बार इटावा आते हैं तो गुरु महाराज ने देखा कि ना ये तो पहली बार यहाँ आया, और वो भी अपने जन्म स्थान में इतने अच्छे से प्रचार कर रहा, इतने सारे भक्त इकट्ठे कर लिए, ना ही मंदिर है, ना ही भक्तों का संग है, कुछ भी नहीं। तो महाराज बहुत खुश होते हैं। और महाराज बोलते हैं ना कि ना अब आपको ना यहाँ से लखनऊ जाना है, अब आप लखनऊ जाइए और वहां वहां पर सेवाओं को संभालिए। तो माता जी फिर हम लोग इटावा से लखनऊ आ जाते हैं, मैं नहीं, प्रभु जी आते हैं 2015 में, मैं 1 साल बाद आती हूँ। तो प्रभु जी जब 2015 में लखनऊ आते हैं तो लखनऊ की भी स्थिति ना मंदिर की बहुत अच्छी नहीं थी। यहाँ पर ना मंदिर के ऊपर 1-1.5 लाख रुपए का कर्जा था और स्थिति बड़ी खराब थी मंदिर की। तो प्रभु जी ने सोचा, अब उस समय जब प्रभु जी को 2015 में जब प्रभु जी आए तो फर्स्ट टाइम लखनऊ आए थे, इससे पहले कभी लखनऊ ही नहीं आए थे, अच्छा ना ही लखनऊ में किसी को जानते थे। लेकिन अब ये चैलेंज था कि कैसे प्रचार करें, कैसे मंदिर निर्माण होगा, कैसे मंदिर चलेगा, क्योंकि मंदिर चलाना भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। इतने सारे भक्त, हमारी गौशाला है और एक गार्डन है बहुत सुंदर सा, श्री श्री राधा रमन बिहारी जी का, तो सबको व्यवस्थित करना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज। तो फिर प्रभु जी ने मम्मी पापा से रिक्वेस्ट की, उनसे प्रार्थना कि ना मुझे ना 1 लाख रुपए आप दे दो, मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है जिससे मैं मंदिर का जो जो चुकाना है मुझे, तो मैं उसको चुका सकूं मंदिर में। तो फिर प्रभु जी मम्मी पापा से 1 लाख रुपए लेके आते हैं और वो मंदिर का जो उधारी था उसको खत्म करते हैं। फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे यहाँ पर भी प्रचार शुरू करते हैं, एक एक भक्त को जोड़ते हैं, उन्हें समझाते हैं, बताते हैं। फिर धीरे 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 करके यहाँ पर हमने 2017 में मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ। मंदिर निर्माण का कार्य शुरू होता है तो इसमें ना प्रभु जी कहते हैं ना, किसी से मंदिर निर्माण के लिए लेने से पहले ना सबसे पहले मैं खुद आगे बढ़ूंगा। तो प्रभु जी फिर मम्मी पापा से बोलते ना कि ना मंदिर निर्माण के लिए मुझे कुछ चाहिए, तो मुझे निर्माण में डोनेशन देने के लिए। तो प्रभु जी फिर से मम्मी पापा से 1 लाख रुपए मांगते हैं और मंदिर निर्माण में सबसे पहले खुद शुरुआत करते हैं। फिर इसके बाद धीरे धीरे और सारे भक्तों की हेल्प मिलती है, कोई ईंट देता है, कोई गिट्टी, कोई सीमेंट। आज मंदिर निर्माण चल रहा है और मुझे लगता है कि 2 साल में अगर श्री श्री राधा रमण बिहारी जी चाहेंगे, गुरु महाराज की कृपा रहेगी, तो कंप्लीट हो जाएगा वह मंदिर। बहुत सुंदर माता जी।
मैं जो देख पा रही हूँ और समझ पा रही हूँ, ये आसान बात नहीं है माता जी। पहली बात, इतनी जल्दी वैराग्य आना ये बहुत रेयर है, वो भी जहाँ पर आप इतावहा से, जब आप दोनों की नई नई शादी हुई है, आप दोनों जन दिल्ली जाते हैं, दिल्ली भी एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहाँ पर इतना ज़्यादा माया का प्रभाव है, और माया से प्रभावित ना होते हुए, भक्तों से प्रभावित होकर जिस प्रकार आपने अपने जीवन को परिवर्तित किया, ये बहुत ब्यूटीफुल है। और जैसे जैसे हम देखते जा रहे हैं, जो प्रभु जी ने एक 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 करके अपनी इच्छाओं को प्रकट किया कि मुझे लगता है मुझे जॉब छोड़ देना चाहिए, मतलब शादी के 1 साल बाद कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा करे तो ये बहुत ही बड़ा डिसीजन होता है लाइफ का। बिकॉज जब कोई व्यक्ति विवाह करता है तो दोनों ही नव युवकों में बहुत ही सारे सपने होते हैं कि हमने विवाह किया है आपके साथ, हमारे ये इच्छाएं हैं, या हम इतना ऐसा जीवन तो जीना चाहते हैं। पर प्रभु जी एक अपनी इच्छा कर रहे हैं, और बहुत अच्छी चीज़ है माता जी कि वो आपसे डिस्कस करते थे, वो अपने हृदय को आपसे प्रकट करते थे, और इक्वली आपने जो उनको हर समय सपोर्ट किया कि हाँ आपकी इच्छा है तो कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है तो कोई बात नहीं, ये बहुत ही एग्जेम्पलरी है हमारे लिए। क्योंकि रिलेशनशिप इज अबाउट कंपेनियनशिप, मतलब आप कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं हर समय पर, और आप दोनों ने ये बहुत ही ब्यूटिफुली एग्जेम्पलरी तरीके से दर्शाया है कि मतलब विवाह के जस्ट 1 साल बाद 2017-18 में वापस लौट आना, वो भी अपने होम टाउन दिल्ली को छोड़कर, अच्छे खासे एक जॉब को छोड़कर, इट्स नॉट ईजी। वो भी पत्नी का उसमें एक्सेप्टेंस होना कि यस इफ यू से आपकी अगर इच्छा है तो हम चलते हैं वापस, और घर आ जाने के बाद प्रचार में लग जाना, इट्स नॉट एट ऑल इजी। मतलब इतनी जल्दी, जब तक किसी के ऊपर प्रभुपाद की कृपा ना हो, गुरु महाराज की कृपा ना हो और भगवान की कृपा ना हो, उनके बिना ये कोई नहीं कर सकता। ऐसे कितने ही लोग होते हैं, सालों साल कितना समय कहाँ कहाँ बिता देते हैं, परंतु वो वहीं पर अटके रहते हैं, वही स्ट्रगल्स में लगे रहते हैं। पर जैसे बताया वैराग्य, ये जो वैराग्य आपने अपने हृदय से जो प्रकट होता गया, और आपने जो प्रभु जी को हर समय सपोर्ट किया, भगवान की कृपा भी तो आपको इस प्रकार से प्राप्त होती गई। और एक छोटे से गांव में 10,000 लोगों की संख्या रथ यात्रा में, इट्स ब्यूटिफुल। मतलब हम रहते हैं, हमें पता है एक एक व्यक्ति को भक्तों की तरह जोड़ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और दर्शकों, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी जो माता जी ने कही, जो बहुत डीप है, कि एक भक्त आता था घर में, 6 घंटे बैठे रहता था। एक पत्नी के लिए जिसकी शादी को सिर्फ 1-1.5 साल हुए हैं, और वो शादी करके एक शहर छोड़ के पुनः अपने घर आ चुके हैं, वहां पर अपना पति किसी को हरिनाम का प्रचार कर रहा है, उसको एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। वो हमेशा यही सोचती है कि कुछ तो समय निकाल के मुझे दे दीजिए। और फिर माता जी कंप्लेन नहीं करते हुए अपने आप को समझा लेते थे कि हमारा मेन पर्पस यहाँ पर आने का यही है कि हम भगवान के नामों का प्रचार कर सके। सो माता जी, ये हम जैसे युवकों के लिए सीखने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भले ही हम अपनी सारी इच्छाओं के साथ में इस गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, परंतु इसमें जैसे प्रभुपाद कहते हैं, हमारा मेन लक्ष्य एक ही होना चाहिए, वो है कृष्ण भावनामृत को अपनाना, अपने जीवन को पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में समर्पित करना। और आपने ये बहुत ब्यूटिफुली किया, एंड ये भी देखते हुए आश्चर्य हो रहा है माता जी कि परिवार का सपोर्ट मिलना इसमें, इट्स वेरी यूनिक। मतलब कितने ही लोग होते हैं जो कि शहरों में हैं, अलग अलग जगह पर हैं, वो लोग स्ट्रगल करते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि उनके माता पिता समझ ही नहीं पाते कि क्यों भक्ति कर रहे हैं, अचानक से कांदा लहसुन छोड़ने की क्या जरूरत है। पर उस समय पर आपके परिवार का आपको सपोर्ट करना, आपके साथ खड़े होना, और उन्होंने भी जो कांदा लहसुन त्याग दिया, ये अपने आप में बहुत कुछ दर्शाता है। फिर माता जैसे जी आपने ना, जी माता एक जी बार वो जो मेरे मम्मी पापा है ना ससुराल में, वो ऑलरेडी पहले से ही भक्त थे, भक्त हैं। तो उन्होंने शुरू से ही, मम्मी ने प्रभु जी को शास्त्रों से कहानियां सुनाना, और ये बचपन से ही उनके साथ था। तो मम्मी ना, मम्मी पापा दोनों लोग ही है ना,
पापा तो समझ लो बिल्कुल एक साधु की तरह, बहुत सीधे सादे, कुछ उन्हें मतलब ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, जिसमें तुम्हारी खुशी उसमें मेरी खुशी, यही मम्मी का भी है, बच्चों की खुशी में ही उनकी उनकी खुशी। तो हमेशा वो तो पहले से ही भक्त थे, हम तो भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो तो ऑलरेडी भक्त हैं। बहुत अच्छी बात है माता जी, ये भी एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई बार जब हम भक्ति करना शुरू कर देते तो हमें लगता है कि हम भक्त हैं, हमारे माता पिता भक्त नहीं है अभी, हम भक्त हैं, उन्हें नहीं पता है कि भक्ति क्या होती है। पर ये जो बात आप कह रहे हैं माता जी, ये भी बहुत सुंदर बात है कि इस्कॉन से जुड़ना भक्ति, उसका इट्स नॉट अ डेफिनेशन ऑफ बिकमिंग अ डिवोटी। व्यक्ति के अंदर यदि पहले से ही वो साधु के गुण हैं, शास्त्रों का अध्ययन जैसे कि हमने देखा हुआ है भारत में हर एक व्यक्ति के घर में होता है, रामायण पढ़ना, भगवद्गीता पढ़ना, महाभारत पढ़ना, स्वयं पढ़ते हो, बच्चों को भी पढ़ाते हो, वे स्वयं ही नेचुरली डिवोटीज हैं। तो दिस इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल थिंग टू लर्न। और माता जी एक और चीज जो बहुत यूनिक लगी, प्रभु जी ने सडनली धोती कुर्ता अपना लिया। एज अ वुमेन इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू ऑल्सो, आपके लिए भी बहुत डिफिकल्ट होगा, बट अगेन जैसा आपने कहा यू सपोर्टेड हिम कि अगर आपको ठीक लगता है तो बहुत अच्छा। एंड जो आपने अब लखनऊ के बारे में बताना शुरू किया, लखनऊ जैसे शहर में प्रचार करना, ऑब्वियसली इन अ स्मॉल टाउन इट्स डिफिकल्ट, चैलेंजेस अलग होते हैं छोटे शहर में और बड़े शहर में जाके चैलेंजेस अलग होते हैं। तो यस, ये बिल्कुल दो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस है, बट वहां पर जाकर भक्ति को बढ़ाना, भक्तों को बनाना और प्रचार प्रसार करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और ये बहुत ही अच्छी बात लगी कि प्रभु जी एक तो घर रह रहे थे, ऊपर से सबसे पहले स्वयं जाकर उन्होंने अपने माता पिता से धन राशि की या फिर दान के लिए निवेदन किया। कई बार यहाँ पर पेरेंट्स भी उठ जाते हैं सीधा, हम जैसे देखते हैं कि बेटा तू कमा तो नहीं रहा है, इतना बड़ा अच्छा जॉब करके आया छोड़ दिया, और ऊपर से आप पैसा जो है जो तुम्हारे ही काम आएगा अपने बच्चों के लिए बचा के रखो, मंदिर में दान देना है तुझे, ये क्या बात हुई बेटा। बट यहाँ पर माता पिता जो थे आपके, उन्होंने भी सपोर्ट किया दो दो बार, एक तो मंदिर का कर्ज कम करने में और साथ ही में टेम्पल कंस्ट्रक्शन में। बहुत ब्यूटीफुल माता जी। इस समय पे माता जी आपके परिवार की क्या प्रतिक्रिया थी, बिकॉज उन्होंने तो जी, बेटी का हाँ विवाह करवा दिया था, बट जी दे वर सीइंग कि हमने तो इतने ख्वाबों के साथ बेटी को कहाँ भेजा था और हमारी बेटी अब क्या कर रही है, व्हाट वाज देयर रोल। तो जब हम लोग दिल्ली में ही थे तो हमारा जब हम लोग मंदिर जाते और वहाँ वहाँ लेक्चर अटेंड करते, 64 क्लासेस हम लोगों ने भक्ति वृक्ष किया। तो जब हम अपने घर जाते ना तो मेरे एक हाथ में भगवत गीता और दूसरे हाथ में गले में जब थैली रहती, तो घर में सब लोग कहते, मुझे लगता ना कि जरा अगर समय मिलेगा 10 मिनट का तो हम समय को बर्बाद ना करके एक माला कर लेंगे, तो हमेशा अपने हाथ में रखते थे। तो मेरे घर वाले जब ये देखते तो उन्हें उन्हें लगने लगा ना, मुझे लगता है ना, शादी को कुछ ही महीने हुए थे तो उन्हें लगा, मुझे लगता है ना ससुराल वालों ने कुछ इसके ऊपर जादू टोना कर दिया है, कुछ निश्चित तौर पर कुछ जादू टोना किया ना, पहले तो ऐसी नहीं थी, 2-3 महीने में ये क्या हो गया। तो और जब हम लोग जॉब छोड़कर आ गए यहाँ पे, तो जॉब छोड़ने आने के बाद फिर उन लोगों का सबका कहना था, आस पड़ोस वालों का, घर वालों का, हमारी ज्वाइंट फैमिली थी तो ज्वाइंट फैमिली में सबके अपने अलग अलग विचार, तो सबका कहना था ना, मुझे लगता है शादी इसलिए की थी, है ना, ये शादी हो जाएगी उसके बाद जॉब छोड़कर आएंगे इसीलिए दिल्ली गए होंगे। तो वहां पता नहीं क्या करते थे क्या नहीं करते थे, और जैसे ही शादी होती है 1 साल नहीं हो पाया ये जॉब छोड़कर आ गए, तो इसका मतलब ये इसीलिए गई थे दिल्ली कि शादी हो जाए वैसे ही वापस आ जाए। तो धीरे धीरे ऐसे ये सारी चीजें हुई और लोगों का थोड़ा सा विद्रोह भी रहा। जब हमारे तीन ट्विंस, दो ट्विंस बेटियां हैं, एक छोटी राधिका, ट्विंस हैं कृष्णा वृंदा और छोटी राधिका, तो जब तीन तीन बेटियां हो जाती हैं तब लोगों का कहना होता है कि ना ये तो दोनों माला जप जप के, देखो इन्होंने तीन तीन बेटियों को बुला लिया, देखो घर में तीन तीन बेटियां आ गई, और कितने पागल हैं ना कि वहां से अच्छी खासी जॉब थी उसे छोड़कर यहाँ आ गए, है ना, कितने बड़े पागल है। और सबसे बड़ी पागल तो ये है जो इसका साथ दे रही है, तो जैसा बोले उसमें हाँ। तो ऐसे ही बात है कि जबकि लोगों ने देखा, जब भक्तों का समूह बना, सब एक साथ रथ यात्राएं हुई, जब जन्माष्टमी प्रोग्राम हुए, सब धीरे धीरे सबको समझ में आने लगा कि नहीं
ठीक है, जो भी कर रहे हैं सारी चीजें ठीक है। तो मेरे मायके में भी तो सबको समझ में आने लगा, बोले तो ठीक है, जिसमें तुम्हारी खुशी है उसमें मेरी खुशी है। माता जी, आई एम श्योर आप कुछ कह नहीं रहे हैं, बट बीइंग फ्रॉम यूपी और डिफरेंट प्लेस से होते हुए लोगों ने बहुत कुछ तो कहा होगा, और आप लोगों ने काफी चीजों को सहन करते हुए, आप करेक्ट कर सकते हैं अगर मैं रॉन्ग हूँ तो, बट आप बहुत ही ब्यूटीफुल साइड ऑफ द स्टोरी बता रहे हैं हमें, बट बिहाइंड द सीन काफी कुछ हुआ होगा जो कि आप दोनों ने एक साथ खड़े होकर उसे सहन किया होगा, और इसका एग्जेम्पलरी एग्जाम्पल है कि भगवान की कृपा आपको इसके लिए प्राप्त हुई। इनफैक्ट आई एम श्योर जब आपको तीनों बेटियां भी हुई होंगी तभी भी लोगों ने बहुत कुछ कहा होगा कि अब बेटियां हैं, शादी करवानी होगी, सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान की भक्ति में लग गए हो, अब क्या होगा, एंड मेनी थिंग्स जो दुनिया हमें कहती है कि तुम सोचते नहीं हो पर क्या क्या होगा तुम्हें पता चलेगा समय के साथ, बट आई एम श्योर श्री प्रभुपाद की कृपा है जिसकी वजह से हम इतना सुंदर प्रचार कर पा रहे हैं, एंड दर्शकों स्पेशली वुमेन्स एंड इवन मेन टू, सभी दर्शकों जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये आज के हमारे एग्जेम्पलरी कपल्स हैं। मैं आपको कहना चाहूंगी, हमें आजकल के जो बॉलीवुड सो कॉल्ड कपल गोल्स करके चीजें चलती हैं इंस्टाग्राम सोशल लाइफ पे कि रील्स बनाइए और पूरी दुनिया को एक्सप्लोर कीजिए, यही है कपल लाइफ, कम ऑन, आइए हमारा आज का जो बहुत ही ब्यूटीफुल सेशन चल रहा है, एक मुलाकात कृष्ण भक्त के साथ, इसे देखिए। मैं कहूंगी कि ये एक रियल कपल गोल आइडिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इफ यू लीव कृष्ण भावनामृत को आप एक तरफ अकेले भी रखते हो, पर ये जो सपोर्ट होता है एक कपल का, एक धर्म पत्नी का और एक पति का एक दूसरे के लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और जहां पर माता जी जैसे आप देख पा रहे हैं दर्शकों, वो उनको हर समय सपोर्ट कर रही थी और उनके परिवार को बिल्कुल, माता जी ऐसा फील हो रहा था कि ये तो सबसे बड़ी पागल ये है क्योंकि ये सो सपोर्ट कर रही है, पति को सिखाना चाहिए कि तुम गलत कर रहे हो, कि उनको हाँ जी हाँ जी हाँ जी करना चाहिए, और ये है कि हाँ जी हाँ जी हाँ में हाँ मिला मिला के उसे और बिगाड़ती जा रही है। जी माता जी, तो माता जी, जब ये तीन बेटियां होती है ना, तो उसके बाद मम्मी बोलती है कि ना अब तो तुम लोगों को सोचना चाहिए ना, बच्चों की एजुकेशन है, उन्हें पढ़ाना है। और तो हम लोगों ने सोचा हाँ मम्मी का कहना ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। फिर हम दोनों लोगों ने बीएड किया, ये सोचा कि बीएड करने के बाद टीचिंग जॉब करेंगे तो हमें भक्ति के लिए समय मिलेगा, क्योंकि इतनी सारी छुट्टियां होती हैं स्कूल में, तो हमें समय मिलेगा और कुछ समय ही देना होगा, उसके बाद हमारे पास पूरा टाइम होगा। तो हमने फिर बीएड किया। बीएड करने के बाद सोचा कि ना कहीं अगर जरूरत पड़ेगी, कुछ होगा तो हम अपना जॉब का करेंगे। लेकिन बीच में ही फिर महाराज जी आते हैं और महाराज जी प्रभु जी को ले जाते हैं, तो फिर हम लोग का ये बीएड वाला का इसका कोई जरूरत ही नहीं पड़ा फिर। बहुत सुंदर माता जी, अभी आपकी क्या सेवाएं हैं, आप इस समय पे कौन सी सेवाओं में लगे हुए हैं? माता जी, शुरुआत में ना सबसे पहले मैंने प्रहलाद क्लासेस शुरू किया बच्चों का, क्योंकि जब प्रभु जी संडे को मंदिर में क्लास लेते तो भक्तों के बच्चे आते, तो ना वो बहुत ज्यादा शोर करते हैं करते, तो भक्तों को उनको सुनने नहीं देते, क्लास में अच्छे से बैठने नहीं देते। तो मैंने सोचा कि मैं ना क्यों ना इन भक्तों को, इन बच्चों को भी, इन भक्तों के बच्चों को भी कुछ ना कुछ सिखाया जाए, क्यों ना प्रहलाद क्लास शुरू की जाए। तो मैंने प्रभु जी से पूछा, प्रभु जी ने बोला ये तो बड़ा अच्छा, ये तो बहुत अच्छा रहेगा, सब अच्छे से फिर सुन पाएंगे समझ पाएंगे, क्योंकि कुछ कुछ माताएं जिनके छोटे बच्चे होते थे वो बाहर निकल जाती थी और बड़े बच्चे इतने शैतानियां करते थे कि शोर आता था, तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो मैंने ऐसे करके प्रहलाद क्लास शुरू किया। प्रहलाद क्लास के बाद फिर मैंने उनकी जो मदर आती थी बच्चों के साथ में, कुछ कुछ बच्चे माताओं को छोड़ते नहीं थे तो उनके मदर आती थी, फिर मैंने धीरे धीरे माताओं की क्लास को शुरू किया। माताओं की क्लास को शुरू करने का फिर मेरा आईजीएफ क्लास चल रहा है, आईजीएफ क्लास की, और फिर धीरे धीरे इन सबको संभालना, और बीच में कोविड आ जाता है तो कोविड में ये सारी क्लासों के फिर ऑनलाइन ऑनलाइन करना शुरू। ब्यूटीफुल माता जी, बहुत सुंदर। दर्शकों, ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, हम जल्द ही क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करने वाले हैं, यदि आप कुछ भी
हमारे आज के कृष्ण भक्त से पूछना चाहते हैं, हमारी प्रिय अचिंत रूपानी माता जी से पूछना चाहते हैं, तो आप तैयार हो जाइए और चैट बॉक्स में अपने कमेंट्स की तौर पे आप अपने क्वेश्चंस को पोस्ट करना शुरू कर दीजिए। तब तक माता जी, ये आप जब जैसे हमने सुना कि आप भगवद गीता सुबोधनी क्लासेस भी लेते हैं, तो वो किन के लिए लेते हैं आप? इस पे सभी होते हैं, माताएं भी होती हैं, प्रभु जी भी होते हैं, सभी लोग होते हैं। तो बेसिकली जो भगवत गीता के बारे में जिसको नहीं पता है अच्छे से, तो वो क्रम से बताने के लिए कि क्या है भगवत गीता में, भगवत गीता है क्या, क्यों कही गई, क्या इसमें, मतलब एक एक श्लोक पर डीप चर्चा होती है प्रभु जी की। माता जी, ऐसी कौन सा एंगल है कृष्ण भावनामृत का जो आपके हृदय में बहुत टच कर गया है, जो आपको लगता है कि ये वो चीज है जो मुझे कृष्ण भावनामृत से जोड़ी हुई है? सेवा, माता जी एक सेवा है जो हमें सदा ही जोड़ के रखती है, क्योंकि भक्ति का अर्थ ही है सेवा। अगर हम सेवा करना ना चाहें, हम खूब जप करें, खूब भगवत गीता पढ़ें, भागवत का अध्ययन करें, लेकिन सेवा ना करें, तो जब तक सेवा नहीं करेंगे ना, हम जुड़ नहीं सकते, हम समर्पित नहीं हो सकते, हमारे अंदर वो दृढ़ता नहीं आएगी भक्ति करने की, जब तक आप सेवा नहीं करेंगे। तो दास के मूड में तो आना ही होगा, जब तक दास के मूड में नहीं रहेंगे तब तक भक्ति नहीं कर सकते। बहुत सुंदर माता जी, हमारे साथ में बहुत सारे युवक जुड़े हुए, जैसे हम देख रहे हैं कि आप गर्ल्स यूथ फोरम के लिए भी क्लासेस लेते, तो कुछ मैसेज आप हमारे आज की नव युवक अर्थात गर्ल्स को स्पेशली देना चाहेंगे? हाँ जी, माता जी IGF क्लास में मैंने देखा कि बहुत बार मेरे पास ऐसे प्रश्न आते हैं कि ना माता जी, ना मेरे घर में हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करने देते घर वाले, वो मुझसे कहते हैं ना ये क्या कर रही हो, ये क्या हो रहा है। तो मैं उनसे हमेशा यही कहती हूँ कि ना उनको ना आपके जप से दिक्कत नहीं है, उन्हें परेशानी है तो इस बात से ना कि आप उनके कार्य को नहीं कर रहे, जो आपकी उनके लिए जो भी ड्यूटी है, जो भी कार्य है, अगर आप उसको प्रॉपरली कर देंगे तो उन्हें आपके जप से कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि भगवान का नाम लेना, जप करना, ये गलत नहीं है। हम भारत में हैं तो इंडिया में कोई भी ऐसा नहीं है सनातन धर्म में जो बच्चों को ऐसा कहे ना कि तुम भगवान का नाम मत जपो, भगवत गीता का अध्ययन ना करो, ये तो कोई भी माता पिता नहीं कहेंगे। और जब हम ऐसा करते हैं ना काम से बचने के लिए, अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए, फिर जब थैली को लेके बैठ जाए तो सबको ही लगेगा ये बहाने बना रही है ना, कोई भक्ति वक्ति नहीं हो रही, ये बचने का तरीका है काम से। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ना अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हुए जब आप भक्ति करेंगे ना, तो आपको सब सपोर्ट करेंगे। ऐसा कोई भी नहीं है जो आपसे कहेगा ना आप ये माला छोड़ दो, महामंत्र को छोड़ दो, आप उनके उठने से पहले ही अपने सारे कार्यों को कर लें, फिर आपको कोई मना नहीं करेगा। जी माता जी, एक चीज जो मुझे एक्चुअली दिमाग में बार बार आ रही है, उत्तर प्रदेश में लोगों की ऑलरेडी बहुत अच्छी धारणा है भगवान को लेकर, उनको भक्ति देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई लोग तो कहते हैं हम तो स्वयं ही यदुवंश के हैं, हम तो स्वयं ही भगवान के परिवार के हैं, हमारे घर में तो पहले से ही रामलला की पूजा होती है, तो वो इतने धार्मिक अपने आप में हैं कि इनको यदि कृष्ण भावनामृत से जोड़ने के प्रयास भी की जाए ना, तो वो आ जाएंगे, अप्रिशिएट कर लेंगे, प्रसाद लेके भी चले जाएंगे, परंतु पूर्ण रूप से सेवा में इस्कॉन का हिस्सा नहीं बनते हैं। तो हाउ यू एंड प्रभुजी आर डूइंग अ वर्क इन लखनऊ, मतलब स्पेशली इतवाहा से शुरू करते हैं हम, कि वहां पर आपने कैसे, जैसे आपने कहा 10,000 लोगों को जोड़ना और भगवान के रथ में जाते हुए इतनी सारी फूलों की वर्षा करना, इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट, तो क्या तरीका था जिससे हमने लोगों के हृदय को परिवर्तित किया? हम लोग जब इटावा में होते हैं माता जी, तो ना प्रभु जी के ऊपर एक ना ये विशेष कृपा भगवान की, शुरू से वो अगर किसी से कुछ बोले, को समझाना चाहे, तो वो समझेगा ही समझेगा, फिर बच नहीं सकता है ना। तो और एक दूसरी चीज थी प्रसादम, क्योंकि प्रभुपाद जी ने भी जब हिप्पीज को उन्होंने हैप्पी कर दिया सिर्फ प्रसादम से,
तो हम लोग कोशिश करते थे कि प्रभु जी अपना प्रवचन करते थे और मैं टेस्टी टेस्टी प्रसाद बनाती थी। तो दोनों तरफ से कार्य हो रहा था, ऊपर से भी और अंदर से। तो धीरे 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 करके ऐसे ही 2 से 10 हजार हो गए। बहुत सुंदर माता जी, ये सीक्रेट है बाहर से, ये तो प्रभु जी की ऊपर कृपा थी। बहुत सुंदर बात आपने कही कि ये बहुत यूनिक है, अगर वो किसी को मनाना चाहे तो वो मानेगा ही और अंदर से बाकी का कार्य आप किचन से कर रहे थे, जो राधा रानी का किचन है, स्पेशल प्लेस है ये, जहाँ से सबको हृदय तो उनका परिवर्तित कैसे भी ना हो, पर प्रसाद लेकर तो उनका हृदय परिवर्तित हो ही जाता है। आइए माता जी, मेरे ख्याल से बहुत सारे हमारे दर्शक आपसे प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, यदि आपकी परमिशन हो तो अब हम उनके प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करें। ओके माता जी, चलिए शुरू करते हैं हम फ्रॉम द ऑडियंस क्वेश्चन। लेट्स सी आप में से किसने सबसे पहला प्रश्न पूछा है। माधवी जी का प्रश्न है, हरे कृष्ण माता जी, दनवत प्रणाम। हाउ यू मैनेज टू रेज किड्स विद योर स्पिरिचुअल लाइफ एंड प्रैक्टिकली नो इनकम। तो यहाँ पर माता जी से पूछा जा रहा है कि आपने बच्चों को कैसे बड़ा किया आध्यात्मिक जीवन के साथ तथा कम आय आय के साथ में। जी माता जी, हाँ, तो माता जी ना, इसमें मेरे मम्मी पापा का सहयोग रहा। और सच बताऊँ तो जो कृष्णा वृंदा ये ट्विंस थी, ट्विंस बच्चों को वैसे भी संभालना मुश्किल है, और उसमें भी आध्यात्मिक जीवन के साथ में, क्योंकि बहुत सारी उसमें भी जिम्मेदारियां होती हैं। तो घर की जिम्मेदारी तो थी, बच्चों की थी, साथ में भक्तों की जिम्मेदारी, लेकिन इसमें पूरा पूरा सहयोग रहा हमारी मम्मी का, दादी का, तो वो प्रॉपर संभालते रहते थे। हाँ, लेकिन एक स्ट्रगल था कि कम पैसे में, मतलब उस समय तंगी थी क्योंकि जॉब छोड़कर आ गए थे, जो भी था वो हम लोगों ने 1 साल में पूरा खत्म कर लिया। अब बाकी अब क्या किया जाए। फिर लेकिन उसमें भी, ऐसे तंगी में भी एक दिव्य आनंद की अनुभूति होती थी, बड़ा आनंद मिलता था। तो हमारे पास जो भी होता था माता जी, उसी में से हम खुद का अपना प्रसादम और जो भी आने वाले भक्त हैं उनका प्रसादम। और आप सोच के देखते हैं तो लगता है कैसे 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 करते थे, कैसे होता था। और जो भी बाहर के जो लोग देखते थे उन्हें लगता था कि ना हम बड़े दुख में, हम बड़े परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। लेकिन उन्हें देखने में लगता था दुखी है, लेकिन मुझे लगता था कि मुझे तो दुख छू ही नहीं रहा है, मुझे तो आनंद की अनुभूति होती थी। और उस समय जो आनंद मिलता था, आज वो आनंद सोचते हैं ना तो लगता है कि ना आज वो आनंद नहीं है जो उस समय जो आनंद था। जी माता जी, बहुत सुंदर माता जी, थैंक यू। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। शोभा शर्मा जी का प्रश्न है, हरे कृष्ण माता जी, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरे सर पर कर्जा है, उसके लिए कृष्ण से क्या क्या प्रेयर करनी चाहिए, मैं भी इस कौन से जुड़ी हुई हूँ माता जी, प्लीज बताइए। तो पहले तो हमें अपनी आवश्यकताओं को सीमित करना चाहिए, ऐसी नौबत ही ना है जो कर्जा लेना पड़े, है ना। कर्जा तो लेना ही नहीं है, अगर फिर भी ऐसा कुछ होता है ना, तो हमें, हम जो भी कार्य करें तो मन में कृष्ण का चिंतन करके करें, क्योंकि भगवान को ना हमारी तपस्या नहीं चाहिए, हमारा जप नहीं चाहिए, हमारी साधना नहीं चाहिए, भगवान को हमारा मन चाहिए ना। तो जब हम कोई भी कार्य करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और हमारा मन ना भगवान के पास है, तो बस उन्हें हमारा मन चाहिए, तो आप अपना ऐसे कर्जा भी उतार पाएंगे और भक्ति भी कर पाएंगे, भगवान में मन भी लगा पाएंगे। थैंक यू मांति जी, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। गोपाल अग्रवाल जी का यह प्रश्न है, हाउ टू ज्वाइन इस्कॉन ड्यूरिंग स्टडी, प्लीज माता जी रिप्लाई। गोपाल जी का यह प्रश्न है, अध्ययन करते करते, पढ़ाई करते करते हमें इस्कॉन का हिस्सा कैसे बनना चाहिए। जी माता जी, तो अध्ययन करते करते हम कौन का हिस्सा आसानी से बन सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया, श्रील प्रभुपाद जी भी बोलते हैं कि ना भक्ति की शुरुआत तो 5 वर्ष की अवस्था से ही हो जानी चाहिए, जैसे कि प्रहलाद महाराज ने अपने आचरण से दिखाया। तो हमें भक्ति की शुरुआत तो 5 वर्ष से ही कर देनी चाहिए। हमें जैसे जप करना है तो हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, सुबह जल्दी उठ के हम अपने जप को कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर हम बाकी अन्य कार्यों को करें।
जो हमारी स्टडी है, जो भी कुछ है, तो हम बाद में करें, क्योंकि मनुष्य जीवन का सर्वप्रथम कर्तव्य है भगवान के नामों का जाप करना, भगवान का नाम लेना। तो सबसे पहले हम अपने पहले कर्तव्य, जो सबसे प्रमुख कर्तव्य है जिसके लिए हम आए हैं, तो सबसे पहले हमें उसे करना चाहिए, उसके बाद बाकी अन्य। क्योंकि जब हम अपने मूल कर्तव्य को करते हैं ना, तो बाकी चीजें चीजें तो सब ना कृष्णा देखते हैं, सब कुछ वो थैंक देखने वाले। यू माता जी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। अगला प्रश्न इस प्रकार, विद्या द्विवेदी जी का प्रश्न है, गुस्सा कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है माता जी, हाउ टू कंट्रोल एंगर माता जी। जी माता जी, तो गुस्सा कंट्रोल हम तभी नहीं कर पाते ना कि जब हम गुस्से को दबाते हैं। तो जब हम बार 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 किसी चीज को दबाते रहते हैं ना, फिर एकदम विस्फोट होता है। तो जब भी किसी के प्रति कभी भी कोई भी बात हो ना, तो हमें उसे बोल देना चाहिए, हमें बताना चाहिए ना, आपका ना ये नेचर या आपका ये व्यवहार, आपकी ये चीज ना मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे पसंद नहीं आता। तो गुस्सा वाली की बात ही नहीं रहेगी, बात करके वहीं के वहीं खत्म किया जाए। जब हम एक चीज को बार बार उसको अंदर रखे रहते हैं कि ना मुझे गुस्सा नहीं करती, कोई बात नहीं पी जाओ, कोई बात नहीं पी जाओ, तो जितना हम पीते हैं उतना फिर ज्यादा विस्फोट होता है। तो हमें बात करके सोल्यूशन निकालना चाहिए, तो गुस्सा नहीं आएगा। वेरी नाइस पॉइंट। हमें जो हृदय में बात है उसी समय पे उसको शेयर करना चाहिए, तो वो बिल्टअप होके वॉल्केनो की तरह इरप्ट नहीं होगा। वेरी नाइस, थैंक यू माता जी। आइए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न के साथ। साहिल जी का यह प्रश्न है, हरे कृष्ण माता जी, मेरा मन भक्ति में नहीं लग रहा है, हमें क्या करना चाहिए? भक्ति में मन नहीं लग रहा तो ना, भक्ति में मन लगाने के लिए ना हमें भक्तों का संग करना चाहिए। जैसा हम संग करेंगे वैसा ही रंग चढ़ेगा। तो जब हम भक्तों का संग करेंगे तो भक्ति का रंग चढ़ेगा, जब हम व्यापारी का संग करेंगे तो व्यापार का रंग चढ़ेगा, जैसे व्यक्तियों का संग करेंगे वैसा रंग चढ़ेगा। तो अगर आपका भक्ति में मन नहीं लग रहा है, तो जिन भक्तों का भक्ति में मन लगता है, जब हम उनका ज्यादा से ज्यादा संग करेंगे, तो हमारा भी मन भक्ति में लगेगा। थैंक यू माता जी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। पूजा पांडे जी का यह प्रश्न है, माता जी, जब आपकी बिटिया छोटी थी तो आप जप को कैसे मैनेज करते थे? यस माता जी। तो माता जी, जब बच्चे छोटे थे तो ना मैं जब को मैं सुबह जल्दी उठ के करती थी, और ना मैं इनके उठने से पहले इनकी बोतल भर के इनके मुंह में लगा देती थी, क्योंकि जब ये भूखे होंगे ना तभी उठेंगे। तो ये भूख की वजह से उठे ना, इसलिए इनका पेट भरा रहे, तो जिससे जो आराम से सोते रहे। तो उनके सारे काज जो भी होता था उनके सोते सोते ही कर देती थी, जिससे मैं आराम से जप कर सकूं। और हमारा 7 बजे तक, 6:30 बजे तक जब कंप्लीट हो जाता, तब तक बच्चों के उठने का समय होता है। तो थोड़ी सी तपस्या करनी पड़ेगी, अलग से थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ेगा ना, जिससे हम अच्छे से भक्ति को मैनेज कर पाए। ये बहुत ही सीक्रेटिव चीज है माता जी, यूजुअली मदर्स को ये तकलीफ होती है व्हेन दे आर एक्सपेक्टिंग, जब बेबीज हो जाते हैं, फिर बेबीज हो जाने के बाद वो छोटे होते हैं तो काफी समय उनको देना होता है, तो अपने आप को समय देना, जब को समय देना, बच्चों को समय देना, परिवार को देना, पति को देना, उनके लिए काफी डिफिकल्ट टास्क होता है। सो यस माता जी, मैनेजिंग द टाइम एंड इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। आई नो बस मत एज अ अगर ना हम ये सोचेंगे, जो हम सबको समय दे रहे हैं ना, तो ना हम कृष्णा को ही समय दे रहे हैं, है तो ये सारे कृष्णा के ही ना। अगर हम इन बच्चों का पालन कर रहे हैं तो ये कृष्णा ने दिए। अगर ये सास ससुर या परिवार जो भी फैमिली है, ये हमें कृष्णा ने दी। सब कुछ हमारे पास जो भी है कृष्ण का दिया हुआ है, तो हम उनका प्रसाद है, तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए और अच्छे से उनकी केयर करनी चाहिए। हो जाता है, सारा कुछ आपकी सोच पर निर्भर है, आप सोचते क्या है, जैसा आप सोचेंगे ना वैसे ही होगा। तो हमें ये ध्यान में रखना है, सब कुछ कृष्ण का है। थैंक यू माता जी। आइए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न के साथ। अगला प्रश्न इस प्रकार, गोपाल अग्रवाल जी का यह प्रश्न है, माता जी, आई एम स्टडिंग कंसिस्टेंटली, मैं स्टडी कंसिस्टेंटली नहीं कर पाता, बीच बीच में गैप आ जाता है, स्टडी को कंसिस्टेंसी के साथ कैसे किया जाए ताकि स्टडी में फोकस बना रहे? देखिए, जब तक भगवान के नाम का जाप आप ध्यान से नहीं करेंगे,
तब तक आपका फोकस होगा ही नहीं, आपका ध्यान किसी भी चीज में नहीं लगेगा, सिर्फ स्टडी नहीं कोई भी चीज हो जो आप करना चाहें किसी में मन नहीं लगेगा। क्योंकि जब तक हम भगवान में मन नहीं लगाएंगे, जब तक भगवत नाम में मन नहीं लगाएंगे, तो आप जप को शुरू कीजिए, एक माला जप कीजिए, आपका मन लगने लगेगा स्टडी में और भगवान से प्रे कीजिए। क्योंकि प्रार्थनाओं में बड़ी शक्ति है, जब हम भगवान से प्रे करते हैं तो कुछ भी कोई भी ऐसी चीज नहीं जो प्रार्थनाओं से ना मिल सके, सब कुछ मिलेगा। दिस इज अ सीक्रेट गोपाल जी, एंड हमारे सभी दर्शकों से यह निवेदन है कि सीक्रेट को आप ध्यान रखें, भगवान से प्रार्थना, ये प्रार्थनाओं में बड़ी शक्ति है। हम दुनिया के सामने अपना हृदय प्रकट करते हैं, पर जिनके सामने करना चाहिए उनको तो करते ही नहीं है। तो माता जी ने ये बहुत ब्यूटीफुल बात बताई कि प्रार्थना में बहुत शक्ति है, हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और अवश्य भगवान हमारी सहायता करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। ऋषिता जी का यह प्रश्न है, बोथ गॉड एंड गोस्ट गोस्ट वी कांट सी विथ आईज, बट आई हैव मोर फेथ दैट गोस्ट एग्जिस्ट, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू हैव फेथ इन गॉड, हाउ टू हैव फेथ इन गॉड। तो ऋषिता जी यह बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा प्रश्न पूछ रही है कि भगवान और भूतों को दोनों को ही हम देख नहीं सकते हैं, पर मेरा अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, परंतु मेरा विश्वास है कि भूत होते हैं, परंतु ये विश्वास करना कि भगवान होते हैं ये बहुत कठिन है। तो मैं अपना भगवान पे विश्वास कैसे स्थापित कर सकूं, इसके बारे में ऋषिता जी जानना चाहती है माता जी। तो ना हमें भगवान पर विश्वास करने के लिए ना प्रैक्टिकली देखना चाहिए, अपने परिवार से ही देख ले। कोई भी संतान बिना माता पिता के नहीं होती, माता पिता होते हैं, उनके माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता, तो ब्रह्मा जी के भी पिता है ना, तो इसका मतलब भगवान है। ये सारी चीजें भगवान से ही चल रही है, ये भूत प्रेत पिशाच जो भी कुछ है ना, ये सब भगवान के ही अंदर में, सब भगवान के ही बनाए हुए हैं। तो भगवान है, हम अपने माता पिता को देखकर समझ सकते हैं ना कि भगवान है। थैंक यू। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। सागर सेन का यह प्रश्न है, हरे कृष्ण माता जी, फाइनेंशियली बहुत बुरा हालत में हूँ, इसको कैसे ओवरकम करूँ? क्या पता है माता, एक बार फिर से हाँ, फाइनेंशियली उनको काफी तकलीफ हो रही है, तो वो कैसे कह रहे हैं कि कैसे इस समस्या, इस तकलीफ को जो कि आर्थिक समस्या है उसको पार कर सके। तो माता जी इनको सोचना चाहिए ना कि ना जो भी आपके पास, जो भी आपको लग रहा है कि आपके खुद का बोया हुआ बीज है ना, जो आपको फल के रूप में मिला है ना, आज आपको जो भी परेशानी हो रही है, जो भी दिक्कत हो रही है ना, ये कोई भगवान की दी हुई नहीं है, ये हमारे खुद के अपने ही कर्म है। आपने कुछ ऐसा कर्म किया होगा तो ये समय हम ऐसा मिल रहा है, तो अभी हो सकता है कुछ समय ऐसा बीते, उसके बाद अच्छा समय आएगा, निश्चित तौर पर आएगा। तो हमें भगवान पर पूरा विश्वास रखना चाहिए, और जब भी ना भक्तों के जीवन में कोई भी परेशानियां या कष्ट आते हैं तो वह हमेशा यही सोचते हैं ना, ये मेरा ही खुद का बोया हुआ बीज है, ये मेरे ही खुद के कर्म है। और जब उनके जीवन में खुशियां आती है, कुछ अच्छा होता है, तो वह हमेशा यही सोचते हैं ना, ये वैष्णव गुरुजनों भगवान की कृपा है, क्योंकि मेरी अपनी तो कोई योग्यता नहीं कि मुझे ऐसा मिल सके ना, मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ, लेकिन ये खुशियां सिर्फ कृपा से ही मिली है। तो अभी परेशानियां हैं, कष्ट हैं, तो उसके बाद आनंद भी आएगा, खुशी भी आएगी। भगवान पर विश्वास रखिए, भगवान से प्रे कीजिए। थैंक यू वेरी मच मादी जी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। विंध्या वाशिनी मिश्रा जी का प्रश्न है, सेवा अच्छी कैसे करें हम मादी जी? सेवा अच्छी, अच्छे सेवक बनके खुद को, जब हमेशा जिसकी सेवा करने चाहें उसके सेवक बने और उसकी इच्छा अनुसार सेवा करें। जो सेवा जिसकी करने जा रहे हैं उसकी क्या इच्छा है, आप अपनी इच्छा से नहीं करेंगे, अपनी इच्छा से अगर कोई भी सेवा कर रहे हैं तो वो सेवा नहीं, फिर खुद की इंद्रिय तृप्ति हो गई। जैसे ऐसे माता जी हम समझ सकते हैं, जैसे कि धूप से कोई व्यक्ति आ रहा है और बहुत गर्मी है, और वो घर आता है और मैं उसकी सेवा करना चाहती हूँ, और मैं उसे गरम गरम चाय या दूध दे रही हूँ, और बड़े प्यार से पीछे पड़ी हूँ, नहीं पी लो पी लो, पीनी पड़ेगी आपको, मैं आपकी सेवा कर रही हूँ। अब उसे वो गर्म नहीं चाहिए ना, उसे गर्मी, उसे कुछ ठंडा चाहिए,
तो आपकी वो सेवा उसके लिए बेकार है। अभी उसे जिस चीज की जरूरत है उसे वह चाहिए। अगर उसकी जरूरत के अनुसार हम कार्य कर रहे हैं तो वह सेवा है। ब्यूटीफुल माता जी, बहुत सुंदर। जिसको जैसी सेवा चाहिए वैसी सेवा यदि की जाए तो वो संतुष्टि के साथ में अपनाएंगे, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। ओके, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। अगला प्रश्न इस प्रकार हमारे स्क्रीन्स पर। माया की दासी, घर वाले बोलते हैं कि खूब हरे कृष्णा करो, लेकिन ऑनियन गार्लिक टी कॉफी छोड़ने की मना करते हैं, कैसे डील करें? तो जब घर वाले मना कर रहे हैं तो हमें उनकी बात माननी चाहिए, कुछ मत छोड़ो, है ना। हम प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, सिर्फ क्या करना है, जोड़ना है। तो हमें क्या, हरे कृष्ण महामंत्र को, भगवान को अपने जीवन में जोड़ना है। ये छूटने वाली चीज ना, तो खुद ब खुद छूटेंगे। तो अभी जब घर वाले मना कर रहे हैं तो क्यों छोड़ने के पीछे पड़े, हमें सिर्फ जोड़ लो, भगवान को सेंटर में रख लो, भगवत नाम को अपने जीवन से जोड़ लो, बाकी सीधे चीजें खुद ब खुद छूट जाएंगी अपने आप। सब मान जाएंगे, कृष्णा करेंगे सब कुछ। और माता जी का खुश स्वयं का एग्जाम्पल है ये, कैसे अपने आप चीजें सपोर्टिव होती गई। तो ये बहुत ब्यूटीफुल चीज कही माता जी ने कि सब कुछ चीज को जोड़िए और फिर बाद में अपने आप चीजें होती जाएंगी। वेरी नाइस, थैंक यू माता जी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। ओम नमो नारायण जी का यह प्रश्न है। हरे कृष्णा माता जी, हाउ कैन वन बिकम डिसअसोशिएटेड फ्रॉम माया? मतलब हम माया से विमुख कैसे हो सकते हैं? हाँ, माया से विमुख दूर ना माता जी। माया से हम दूर तभी होते हैं ना जब हम ये कृष्ण बिल्कुल ही से। अच्छा सा प्रश्न पूछा है। बिकॉज माया नगरी में रहते हुए, माया के इतने करीब रहते हुए, माया से विमुख होना हमारे लिए नामुमकिन हो जाता है। माता जी, तो जितना हम कृष्ण के नजदीक होंगे उतना माया से दूर रहेंगे। जिस क्षण हम कृष्ण को भूलते हैं तो माया ना बिल्कुल सट के खड़ी होती है। जैसे हमने कृष्ण को भूला, माया ने पकड़ा। तो माया से बचने के लिए बहुत जरूरी है सुबह सुबह मॉर्निंग में हरि नाम का जाप करना। जब हम सुबह सुबह ही अपनी 16 माला, जो नियमित जो हमारी राउंड्स हैं, उनको हम कंप्लीट कर लेते हैं, तो हम एक हरि नाम का सुरक्षा कवच पहन लेते हैं, फिर हमारे ऊपर माया का इतना प्रभाव नहीं पड़ता। जब भी हम बाहर निकलते हैं ना, फिर माया हमें कम छूती है, छू नहीं पाती, क्योंकि वो कवच हमने धारण कर लिया। तो जब हम ऐसे कवच को धारण करेंगे तो निश्चित तौर पर माया से फिर बच पाएंगे। थैंक यू माता जी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। अभिलाषा जी का यह प्रश्न है, माया क्या है? व्हाट इज माया? माया, माया एक भ्रम है, जो नहीं है वो माया। इस संसार में हम कहते हैं ना कि माया माया है ना, तो ये संसार क्या है, भ्रम है, स्वप्न के समान। तो माया जो नहीं है वो माया है। ब्यूटीफुल माता जी, जो नहीं है वो माया है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। ऐसा भी समझ सकते हैं माया के बारे में, जो आपको कृष्ण से दूर लेके जाती है उसे भी माया कहा जा सकता है। जब भी आपका मन आपको कृष्ण से दूर ले जाए तो हम उसे भी माया समझ। देखते हैं अगला प्रश्न। संगीता साहा जी का प्रश्न है, हरे कृष्ण माता जी, इफ पेरेंट्स मेक वैष्णव ऑफेंस कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली टॉर्चरिंग देयर चिल्ड्रन रेजिस्टिंग देम ऑफ सर्विंग लॉर्ड कृष्णा देन हाउ टू रिमेन काम एंड सर्व दीज पेरेंट्स? तो संगीता जी यह कह रही हैं कि अगर हमारे माता पिता वैष्णव अपराध करते हैं जानते हुए या अनजाने में, कैसे करते हैं वो वैष्णव अपराध? अपने बच्चों को टॉर्चर करते हुए, उन कैसे टॉर्चर कर रहे हैं? उन्हें कृष्ण भक्ति से दूर रखते हैं। तो कैसे ऐसे माता पिताओं के व्यवहार करते हुए, ऐसे माता पिताओं से व्यवहार करते हुए हमें अपने आप को शांत रखना चाहिए और ऐसे माता पिताओं की सेवा करनी चाहिए? तो देखिए, कितने भी माता पिता खराब होंगे लेकिन हिरण्यकश्यप जैसे नहीं होंगे।
जैसे हिरण्यकश्यपु थे, लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज जी ने कभी उनका विरोध नहीं किया, कभी उनसे कुछ ऊंची आवाज में बात नहीं की। तो हमें यही देखना चाहिए, प्रहलाद महाराज से सीखना चाहिए कि ना भक्ति में हमारे शरीर को देने वाले हमारे माता पिता हैं, जिससे हमारा ये साधन है जिससे हम भक्ति कर सकते हैं। तो हमें माता पिता की बात को मानना चाहिए, अगर वो कुछ बोलते हैं तो हमें सुन लेना चाहिए। हिरण्यकश्यपु जैसे तो नहीं होंगे कि बिल्कुल मार ही डाल, ऐसा तो नहीं करेंगे जी। जी माता जी, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। माता जी, रुषिता कह रही हैं कि उन्हें एक और एग्जाम्पल चाहिए अपने प्रश्न से रिलेटेड, जो उन्होंने पहले प्रश्न पूछा था। हम टेक्निकल टीम से निवेदन करना चाहेंगे कि वो पुनः उनका क्वेश्चन यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। ये वाले प्रश्न में माता जी वो पुनः एक एग्जाम्पल लेने का निवेदन कर रही है, जो उन्होंने प्रश्न किया था कि हम दोनों ही भूत और भगवान को दोनों को ही देख नहीं पाते हैं अपनी आंखों से, पर भूत है ये मुझे विश्वास है, पर भगवान के ऊपर विश्वास कैसे जागृत किया जाए? तो माता जी ना, मैं क्या नाम बताया जो प्रश्न कर रहे हैं? रिश्ता रिश्ता ऋषिता। हाँ, तो ऋषिता माता जी को ना एक हम स्टोरी से बताते हैं, कथा से। जी। एक बार ना दो दो फ्रेंड होते हैं, दो दोस्त होते हैं। हाँ, तो वो किसी बाहर किसी जगह में अपने नगर से दूसरे नगर में किसी फंक्शन के लिए जाते हैं। तो वो दोनों लोग जब फंक्शन खत्म होता है तो देर रात से लौट रहे होते हैं, रात हो जाती है ज्यादा, तो वो लौट रहे थे। वहां पर एक पीपल का वृक्ष होता है, तो वहां उस पीपल के वृक्ष पे भूत रहता है। तो उसमें से जो दोनों दोस्त होते हैं, तो उसमें से एक होता है थोड़ा सा आगे होता है, एक होता है थोड़ा सा पीछे, दोनों साइकिल से होते हैं। तो जो पीछे वाला दोस्त होता है उसे पीपल के वृक्ष के नीचे आकर उसकी साइकिल वहीं पर जम जाती है, वहीं पर रुक जाती है। तो जो आगे वाला होता है तो वो पीछे वाला आगे वाले को आवाज देता है कि ना रुको ना, ये मैं पता नहीं मेरी साइकिल को क्या हो गया, ये खराब हो गई है, ये तो आगे बढ़ ही नहीं रही है। तो वो आगे वाला होता है वो समझ जाता है, क्योंकि जो आगे चल रहा था उसे पता था ये पीपल के वृक्ष में भूत का वास है, वो रहता है। लेकिन पीछे वाला जो फ्रेंड था उसको ये पता नहीं था। तो वो पीछे आता है और अपने हाथ से उसकी साइकिल को पकड़ता है और आगे बढ़ाता है, वो साइकिल चलने लगती है। तो दोनों साथ में जा रहे होते हैं। फिर आगे जाके है एक गांव में, जैसा नहीं पुलिया टाइप की होती है, पुलिया नीचे से पानी निकलता है। तो वो पुलिया के पास जैसे ही पहुंचने को होते हैं, वहां पर उन्हें एक औरत दिखती है जो सफेद साड़ी पहने और बाल उसके खुले हुए। तो उसका दोस्त होता है उसे पूछता है, ये इतनी रात में यहाँ पर एक औरत कैसे, और वो भी अकेली? तो वो कहता है कोई भी हो, बोलना मत, चुपचाप चलो, सीधे बिल्कुल नहीं बोलना, अगर ये आवाज भी देखी देती है ना तो भी पीछे मुड़कर नहीं देखना। तो वो कहता ठीक है। जैसे ही वो पुलिया को पार करते हैं, वैसे ही वो भूतनी पीछे से आवाज देती है ना, आज बच गए ना, आज के बाद मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, कच्चा चबा जाऊंगी। तो जैसे ही उसका दोस्त ये सुनता है, कहता है ये कौन सा चक्कर है, ये क्या है? वो फिर वो सारी बात बताता है। तो कहता है ना मेरी साइकिल तो वहां जम गई थी, लेकिन तुमने छुआ तो वैसी साइकिल क्यों चलने लगी? तो कहता है क्योंकि साइकिल इसलिए चलने लगी क्योंकि मेरे हाथ में, मेरे पास जगन्नाथ जी का निर्माल्य था, जगन्नाथ जी के चावल थे। तो जगन्नाथ जी का जो महाप्रसाद था, इसके कारण ना जैसे ही मैंने तुम्हारी साइकिल को छुआ तो वो साइकिल चलने लगी, भूत का उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो हम इससे देख सकते हैं ना, जब भगवान है, जब भगवान का प्रसाद, भगवान का वो जो भगवान से अभिन्न है, यह हमें दिखाता है कि भगवान है। ये बात है। बहुत सुंदर एग्जाम्पल माता जी, बहुत सुंदर, थैंक यू वेरी मच माता जी। आई होप रुषिता जी अब आप संतुष्ट हैं और सैटिस्फाइड हैं आंसर के साथ में, और बहुत ब्यूटीफुली माता जी ने एक्सप्लेन किया है कि हमें भगवान पर विश्वास कैसे रखना चाहिए। थैंक यू, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ।
ताशी अश्विन जी का प्रश्न है, हमसे कुछ भूल हो गई और हम अपने कृष्ण से दूर हो गए तो क्या करें? वो दर्द को कैसे दूर करें जो कृष्ण से दूर होके मिला? तो ना सबसे पहले तो हमें यह देखना चाहिए कि दूर होने का कारण क्या था, किस कारण से हम भगवान से दूर हुए। जब उस कारण का पता चल जाए तो हमें फिर वैसे कार्य नहीं करना, फिर भगवान से माफी मांगनी है और उनसे कहना है कि ना अब मुझसे ये हो गया ना, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, अभी मुझ पर आप कृपा कीजिए, आप मुझसे दूर मत जाइए। लेकिन एक बार माफी मांगने के बाद, पश्चाताप करने के बाद, फिर हमें दोबारा उस गलती को नहीं दोहराना, दोबारा दोहराएंगे तो ये गलत है। तो पश्चाताप करनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। थैंक यू माची जी, पश्चाताप और प्रार्थना, थैंक यू ताशी जी। आई होप आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल ही गया होगा। आप प्रार्थना कर सकते हैं और पश्चाताप करिए। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। राजोन्ना जी का यह प्रश्न है, हरे कृष्ण माता जी, प्लीज टेल हाउ कैन वी कंट्रोल आवर माइंड, हम अपने मन को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, इसके बारे में प्लीज बताइए माता जी। हम मन को नियंत्रित सिर्फ भगवान के नाम के द्वारा कर सकते हैं, भगवान के नाम के जप के द्वारा कर सकते हैं। जब हम एक एक शब्द को स्पष्ट रूप से बोलते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का हम जप कर रहे हैं और हम स्पष्ट उच्चारण नहीं कर रहे, हमें बहुत जल्दी है, रेलगाड़ी की तरह हम भाग रहे हैं ना, जल्दी 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 भागो, जल्दी से मालाएं पूरी हो जाए ना, फिर से हम बीड बैग टांगे और खत्म का। जब हम ऐसा करेंगे ना तो ये ठीक नहीं है। जब हम भगवान का नाम ध्यान पूर्वक सही उच्चारण के साथ सुनते हुए लेंगे, देखिए जप करने में सिर्फ दो चीजों की आवश्यकता है, एक मुंह की और दूसरा कान की, तो दोनों को ही जरूरत है। जब हम स्पष्ट बोलेंगे और कानों से सुनेंगे तो मन खुद ब खुद फिर लगेगा, मन की चंचलता शांत होती है। जी थैंक यू, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम जीजा सगरन जी, हरे कृष्णा माता जी, मेरा बेटा मेंटल पेशेंट है, उनको ठीक करने के लिए मेरी भक्ति मदद करेंगे, मुझे बहुत रोना आता है, मैं क्या करूं? उन्हें कुछ मानसिक रूप से तकलीफ है, तो वो कह रहे हैं क्या अपने बेटे को, उनको बच्चे को ठीक करने के लिए क्या भक्ति उनकी सहायता करेंगी, उन्हें बहुत रोना आता है अपने बेटे को इस परिस्थिति में देखकर। बिल्कुल रूप से माता जी सहायता करेंगे भगवान ना, हमें भगवान से प्रे करनी चाहिए और भगवान से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमसे गलत हुआ है तभी यह मुझे देखने को मिल रहा है, अभी नहीं इससे पहले जन्म में और इससे पहले ना, कहीं ना कहीं तो मुझसे हुआ है। तो भगवान से प्रार्थना करें और उनसे क्षमा मांगें और उनसे बोले ना, जब हम प्रार्थनाएं करते हैं क्षमा मांगते हैं तो भगवान फिर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे, लेकिन प्रार्थना हृदय से होनी चाहिए, ऊपरी मन से नहीं। जब हम ऊपरी मन से बोलते हैं ना तो वो भगवान तक नहीं जाते, जब कोई भी प्रार्थना हृदय से होती है तो निश्चित तौर पर भगवान सुनते हैं और हमारी समस्याओं को सॉल्व करते हैं। थैंक यू मंत्री जी, आई होप इससे आपकी सहायता होगी। आप प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से, हृदय से प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसे कई सारे भक्त होते हैं माता जी जिनके ऐसे बालक होते हैं, तो वो दुखी ना होते हुए उन बच्चों की ऐसी सेवा करते हैं, ये समझते कि हुए कि यही बालक हमारी भक्ति है, यही बालक हमारी सेवा है, उनको निरंतर भगवान के हरिनाम का श्रवण करवाते हैं, उन्हें भगवान कृष्ण का प्रसाद खिलाते हैं और धीरे धीरे करके उन्हें निरंतर हरि कथा में विलीन करते जाते हैं, कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज करवाते हैं। तो बच्चा जो है इसके बाद हो सकता है कि वो पुनः कभी भी जन्म मृत्यु के साइकिल में पड़े ही ना, तो आप इसको फायदा उठाइए, भक्ति में विलीन होइए और उस बालक का उद्धार कीजिए। ये आपको हरे कृष्ण टीवी के माध्यम से समझ लीजिए कि भगवान स्वयं कह रहे हैं, भक्ति से जुड़िए और अपने इस बहुत ही स्पेशल चाइल्ड का इस भौतिक दुनिया से उद्धार कीजिए, उसको भी और स्वयं को भी कृष्ण भावनामृत से जोड़ते हुए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ।
शुभम जी का यह प्रश्न है। हरे कृष्ण माता जी, मेरे माता जी एकादशी नहीं करते बट वो सोमवार और गुरुवार रखते हैं, कृपया बताइए किसका अधिक महत्व है और क्यों? एकादशी नहीं करते हैं, सोमवार और गुरुवार का व्रत रहते हैं, है ना यही प्रश्न? जी माता जी, देखिए उन्हें बताना चाहिए ना कि एकादशी ना सबसे महत्वपूर्ण है, सभी व्रतों में सबसे महत्वपूर्ण है एकादशी का व्रत। तो हमें अगर वो सोमवार और गुरुवार का व्रत छोड़ना नहीं चाहते, कोई नहीं, उन्हें रहने दीजिए, लेकिन वह एकादशी भी रहे, क्योंकि एकादशी वाले दिन अगर कोई अन्न लेता है तो एकादशी में अन्न अन्न में पाप का वास है एकादशी वाले दिन। तो अगर हम एकादशी वाले दिन अन्न लेते हैं तो हम पापों को खाते, जितने पाप हम 15 दिन में कर नहीं पाते उतने पाप उससे कहीं ज्यादा हम पाप अन्न खाकर ले लेते। तो एकादशी वाले दिन तो सबको ही व्रत रहना चाहिए, एकादशी वाले दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा तरीका माता जी ने बताया कि उनकी अगर भाव है सोमवार और गुरुवार रखने का, करने दीजिए, उसके साथ उन्हें कहिए कि दो और व्रत महीने के करिए एकादशी का, धीरे धीरे करके एकादशी माता स्वयं उनके ऊपर कृपा करेंगी और वो भी इस माधव तिथि का पालन करना शुरू कर देंगे। आइए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न के साथ। रविंद्र जी का है प्रश्न है। हरे कृष्ण माता जी, माता जी जब हम दुखी होते हैं तो भगवान हमेशा याद रहते हैं, लेकिन खुशियों के समय में न चाहते हुए क्यों भूल जाते हैं? तो जब हम दुखी होते हैं, जब हमारे ऊपर विपत्ति आती है, तो हमें लगता है ना कि अब ना भगवान को याद किया जाए, ठाकुर जी को याद किया जाए, क्योंकि तो हम जानते हैं कि ना दुखों से निकालने वाले ना सिर्फ भगवान है, सिर्फ ठाकुर जी, तो हम उन्हें याद करते हैं। और जब हम सुख में होते हैं ना तो खुद की इंद्रिय तृप्तियों में इतने डूबे होते हैं, हमें फिर कोई नजर नहीं आता, फिर हमें बिल्कुल नजर नहीं आते कि ना अभी दुख आया था कुछ समय पहले तो भगवान ने हमारी सहायता की थी, तो भगवान की कृपा की वजह से ही आज ही हमें सुख मिला है, तो हम तब उस सुख को भूल जाते हैं, और उस सुख को भूलने की वजह से फिर से दोबारा हमारे जीवन में दुख आता है, जिसे भगवान याद दिलाते हैं कि देखो है ना कि ना भगवान है, मुझे याद करो, चाहे सुख में हो या दुख में, किसी भी परिस्थिति में हो भगवान को याद करना चाहिए, उनके नामों का गुणगान करना चाहिए। भगवान को भूलने के कारण ही, ठाकुर जी को भूलने के कारण ही हमारे जीवन में दुख आते हैं, तो जब हम उन्हें हमेशा याद रखेंगे तो दुख आएंगे ही नहीं। दुख वैसे तो हम दुखाले में हैं, दुख तो आते ही है, लेकिन दुख प्रतीत नहीं होता, लगता नहीं है कि मेरे जीवन में दुख है। कहते ना कि भगवान ना अगर कोई ऐसा पाप कर्म है जिसके कारण दुख मिलना है, तो भगवान भाला चुबाने की जगह सुई चुबा कर निकाल लेते हैं, तो फिर दुख अगर भाले के समान आना होगा ना तो भगवान जरा सी सुई चुबा कर निकाल लेते। तो इसलिए सदैव भगवान का नाम लीजिए, उन्हें धन्यवाद दीजिए हर चीज के लिए। बहुत ब्यूटीफुल बात कही है रविंद्र जी माता जी ने, ये कि आपके जीवन में यदि दुख आना होता है तो भगवान फिल्टर लगा देते हैं उसमें, तो इतना सा आपको कष्ट देकर इतने बड़े कष्ट से बचा लेते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही, आप याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। अगला प्रश्न इस प्रकार। राम कोयरी जी का प्रश्न है। माता जी प्रणाम, मेरा सवाल है, हरे कृष्ण महामंत्र बिना दीक्षा कर सकते हैं, क्योंकि सुना है बिना गुरु दीक्षा मंत्र जप नहीं करते। जी जी, ऐसा नहीं है कि दीक्षा नहीं होगी तो हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं कर सकते। जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हम आग के संपर्क में जाएं, तो आग के जब संपर्क में जाते हैं, आपको पता नहीं है ये आग है इससे हम जलेंगे, लेकिन जब हम आग के नजदीक जाएंगे तो जलेंगे ही जलेंगे। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप लेंगे तो उसका प्रभाव होगा ही होगा, भगवान प्रसन्न होंगे ही होंगे। इसमें जरूरी नहीं कि जब दीक्षा होगी तभी हम महामंत्र ले सकते, लेकिन हाँ जब दीक्षा होती है, जब गुरु के द्वारा उस मंत्र को दिया जाता है, तो उस मंत्र में एक अलग सी शक्ति होती है, क्योंकि जब गुरु उस मंत्र को देते हैं तो उस मंत्र के साथ साथ हमें करने की शक्ति भी देते हैं, प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं, तो उस शक्ति से हम और अच्छे से कर पाते हैं। तो अभी आपकी दीक्षा नहीं भी हुई है तो भी आपको हरे कृष्ण महामंत्र करना चाहिए दीक्षा के योग बनने के लिए।
थैंक यू माता जी, दीक्षा के योग्य बनने के लिए भी हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना बहुत अनिवार्य है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। ये आज का हमारे कुछ आखिरी प्रश्न होंगे। क्या ईश्वर हमें मोक्ष वैसे ही नहीं दे सकते? वो हमें जीवन मरण के चक्कर में क्यों फंसाते हैं, फंसाते ही क्यों है? वो तो ईश्वर है, चाहते ही अपनी पावर्स सबको मोक्ष दे देते, बट ऐसा क्यों नहीं करते? तो ईश्वर यानी कि कृष्ण भगवान तो चाहते ही हैं हमें मोक्ष देना, लेकिन हम ही लेना नहीं चाहते, है ना। हम खुद ही नहीं चाहते कि है ना हम इस दुखाले से निकले। हमें क्या लगता है ना, यही सुख है, यही आनंद है ना। हम खुद मोक्ष को नहीं चाहते, हम मोक्ष को लेना नहीं चाहते, इसलिए नहीं देते। क्योंकि मोक्ष प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए हमें कुछ करना होगा। कुछ भी पाने के लिए कुछ करना होता है, जब करते हैं तभी पाते। तो भगवान ने ना ये स्वतंत्रता दे रखी है सबको, आप जैसा चाहें वैसा करें। आप चाहें तो मोक्ष को प्राप्त करें, आप चाहें तो नीचे की ओर चले जाएं। ये मनुष्य शरीर ऐसा जंक्शन है ना, जिसमें हम कहीं भी जा सकते हैं, या तो ऊपर की ओर या नीचे की ओर। जैसे ट्रेन चल रही है पटरी पर, तो उसे एक सीधा रास्ता दिखता है, वह सीधे चलती है। लेकिन जैसे ही जंक्शन पर पहुंचती है, तो उसे राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, सीधे जाना है, दो तीन रास्ते दिखते हैं, वो कहीं भी जा सकती है। वैसे ये मनुष्य शरीर जंक्शन के समान है, हम चाहें तो ऊपर की ओर जा सकते हैं, भगवत धाम जा सकते हैं, और हम चाहें तो निम्न योनियों में भी जा सकते हैं। बहुत सुंदर माता जी, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। जय बद्री जी का यह प्रश्न है, हाउ टू बी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, हम कृष्ण भावनामृत में कैसे जुड़ सकते हैं? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके हम कृष्ण भावनामृत में जुड़ सकते हैं, और कृष्णा कॉन्शियस होके प्रभुपाद जी की शिक्षाओं का पालन करके, और प्रभुपाद जी के जो शिक्षाओं का पालन कर रहे हैं उनके पद चिन्हों पर चल के उनका संग करके हम कृष्णा कॉन्शियस हो सकते। आइए लेते हैं आज का हमारा आखिरी प्रश्न, देखते हैं कौन पूछता है हमें ये आखिरी प्रश्न आज का। नरसिम्हा बग्गम जी का यह प्रश्न है, हरे कृष्ण माता जी, बीइंग अ साउथ इंडियन हिंदू, बिलीव ऑन श्री लॉर्ड श्री वेंकटेश्वर स्वामी, हाउ कैन वी फॉलो लॉर्ड कृष्ण आल्सो? तो नरसिम्हम जी पूछ रहे हैं कि मैं एक साउथ इंडियन ब्राह्मण, साउथ इंडियन हूँ, साउथ इंडियन हिंदू हूँ, और हम भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की पूजा करते हैं, पर हम साथ ही साथ भगवान कृष्ण के ऊपर भी कैसे अपना विश्वास स्थापित कर सकते हैं? तो हम ना कृष्ण की, जो आप साउथ में किसकी पूजा करते हैं, वेंकटेश्वर स्वामी साउथ इंडिया में, तो कोई नहीं, जब आप उनकी पूजा कर रहे हैं ना, तो भी ना कृष्ण पर ही विश्वास रखिए, क्योंकि ये ना सब कृष्ण के ही नाम है। तो जब हम किसी भी रूप में उन्हें भजें, वो कृष्ण ही है, तो हम कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं नरसिम्हम जी, तिरुपति बालाजी कौन है? भगवान स्वयं कृष्ण ही है, जो कि वहां पर पद्मावती जी के प्रार्थनाओं के लिए वहां पर बहुत ही सुंदर लीलाओं के साथ प्रकट होते हैं। तो माता जी ने आपको एक बहुत ही सुंदर तरीका बताया कि आप जब भी उनका नाम ले रहे हैं, साथ ही में आप भगवान कृष्ण को अपने प्रेयर्स में रखिए, या फिर कृष्ण को पूछते पूछते देखिए कि वेंकटेश्वर स्वामी भी कृष्ण में ही है। इससे आपका जो विश्वास है वो धीरे धीरे करके स्थापित होता जाएगा। और जैसे माता जी बता रहे हैं, भक्तों का संग कीजिए, आजकल ऑनलाइन हरि कृष्ण टीवी पे बहुत सारे सुंदर सुंदर लेक्चर्स आपको अवेलेबल है, सो यू कैन कीप लिसनिंग। द बेस्ट प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग फेथ इज थ्रू लिसनिंग, जब आप श्रवण करते हैं तो आपका विश्वास अपने आप स्थापित हो जाएगा। सो स्लोली एंड स्टडीली ऑटोमेटिकली यू विल डेवलप योर फेथ इन लॉर्ड कृष्ण। So thank you very much, Mataji. I want to ask if we can have one of the last questions with us. अगर कोई एक आध और प्रश्न है, कोई पूछना चाहता है, तो we can have that.
जूही जी का यह प्रश्न है, माता जी मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जी माता जी, तो ना अभी ये प्रश्न आया था, मुझे लगता है किसी ने पूछा था मोक्ष का। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए ना हम वैसे तो भक्त मोक्ष चाहते ही नहीं, वह तो सदा से ना भगवान की सेवा करना चाहते हैं। जहाँ भी रहो ना भगवान का सेवक बन के रहो, जैसे भगवान की इच्छा जहाँ रखे। जब हम भगवान की सेवा करेंगे, भगवत नाम का जाप करेंगे, तो हमें ये भगवान पर ही छोड़ना चाहिए कि वह हमें मोक्ष दे या फिर दोबारा से अपनी सेवा के लिए फिर दोबारा से इस दुखालय में भेजे या फिर अन्य लोकों में भेजे। हमें खुद से कोई अपनी इच्छा नहीं रखनी चाहिए, छोटे से बच्चों की तरह। जैसे छोटे बच्चे ना जिद करते हैं ना, मुझे यही चाहिए, फिर वो देना होता है। तो यार ठाकुर जी से हमें किसी भी चीज की जिद नहीं करनी, सब कुछ ठाकुर जी पे छोड़िए, जैसा ठीक लगेगा वो वैसा करें। थैंक यू वेरी मच मादी जी। तो इसी के साथ आज का हमारा यह शो समापन की तरफ आता है। जाने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगी, कुछ आखिरी मैसेज आज आप हमारे दर्शकों को यदि देना चाहें। तो माता जी मैं सबसे यही प्रार्थना करनी चाहूंगी, यही विनती करना चाहूंगी कि ना सभी लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, और महामंत्र का जप सही समय पर कीजिए। जब हम कोई भी कार्य सही समय पर करते हैं ना, तो हमें लाभ मिलता है। जैसे कि पूजा के लिए ये सतोगुणी समय बनाया गया, ब्रह्म मुहूर्त का समय, अमृत वेला ना, तो हमें उस समय ही भगवान के पवित्र नामों का जाप करना चाहिए ना। तो हमारी हमें 4:30 बजे से सुबह जल्दी उठकर, जैसा जिसके पास समय हो वैसे हमें उठकर सुबह जल्दी से जल्दी 6-7 बजे तक अपना जप को कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो आप सबसे यही प्रार्थना है कि भगवान के नाम के प्रति दृढ़ विश्वास रखिए, दृढ़ श्रद्धा रखिए, और जब तक आप समर्पित नहीं होंगे भगवान के नाम के प्रति, तब तक आपके अंदर समर्पण नहीं आएगा, तब तक दृढ़ता नहीं आएगी। तो समर्पण रखिए, दृढ़ता रखिए, और पूर्ण शरणागति रखिए भगवान के नाम के प्रति, क्योंकि भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है। तो हमें पूर्ण शरणागत रहना है भगवान और भगवान के नाम के। थैंक यू सो मच माता जी, आज बहुत ही ब्यूटीफुल सेशन था आपके साथ, और आपने बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी अपनी शेयर की जो बहुत इंस्पिरेशनल है, कैसे सरल जीवन के साथ भी। और ये बहुत सुंदर बात है कि सरल हृदय में भगवान जल्दी से प्रकट होते हैं, भक्ति बहुत जल्दी से प्राप्त होती है जब सरलता हमारे अंदर होती है, और आप दोनों जन माता जी इसके बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। सो थैंक यू वेरी मच माता जी आज हमारे साथ में जुड़ने के लिए। आप जाएं उसके पहले हम अपने दर्शकों को आपके साथ में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा हमारा एड है वो दिखाना चाहेंगे अबाउट सरल होम। तो सरल होम हम आपको देते हैं, आपकी सरल होम की तरफ से एक गिफ्ट प्रदान कर रहे हैं माता जी, जो कि है श्री राधे कुशन्स। ये हमारी तरफ से आपके लिए एक उपहार के रूप में है माता जी। थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी फॉर शेयरिंग योर ब्यूटीफुल इंस्पिरेशनल जर्नी विद अस। हम पुनः आपके साथ और भी आपकी ब्यूटीफुल कृष्ण भावना अमृत कथाओं के साथ में जुड़ना जरूर चाहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर टाइम एंड स्पेस। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो दर्शकों इसी के साथ हमारा आज का यह शो एक मुलाकात कृष्ण भक्त के साथ समाप्त होता है। जीवन में यदि सरलता होती है और दृढ़ निश्चय होता है तो भगवान जल्द ही से हमारे हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। कभी भी हमें याद रखना चाहिए जीवन में कोई भी परिस्थितियां आ रही हैं तो इसमें भगवान की कहीं ना कहीं इच्छा छुपी हुई है। स्टीव जॉब्स, जिसे हम एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाउंडर्स के रूप में जानते हैं, जो एप्पल कंपनी आईफोन जिसे हम जानते हैं, तो पेरेंट कंपनी उनकी एप्पल है, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर सी किताब लिखी थी जिसका नाम था कनेक्टिंग द डॉट्स। और उन्होंने अपने जीवन में प्रभुपाद को भी समर्पित करता हुआ वो दिन बताया है जिस समय पे उनके पास में, वो कॉलेज छोड़ चुके थे, वो अपनी एक कंपनी शुरू करना चाहते थे, पर वो जो बीच का दौरान था जहां पर उनके पास पैसे नहीं थे, तो पेप्सी की कांच की बॉटल के ढक्कन वो बेचते थे, इकट्ठा करके उसे बेचते थे, और उनके पास बहुत पैसे नहीं होते थे खाने के लिए, बहुत ही स्ट्रगल का जीवन वो जी रहे थे। तो वो
कई मील चलकर इस्कॉन का जो यूएस में टेम्पल था, तभी प्रभुपाद स्वयं वहां पर थे, वहां पर खिचड़ी बांटी जाती थी। तो वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि वो इतने मील चल के जाते थे ताकि उन्हें मुफ्त में वो एक बार का प्रसाद, कृष्ण प्रसाद, इस्कॉन टेम्पल के द्वारा प्राप्त हो सके। और फिर वो अपने जीवन की एक एक परिस्थितियों को जोड़ते हैं और कहते हैं कि कैसे भगवान ने हर एक स्थिति में, हर एक परिस्थिति में मुझे कठिनाइयां दी, बट कठिनाइयों के साथ मुझे उन्होंने राह दिखाया जहां पर मैं आज इस पदवी तक आ चुका हूं। तो हमारे जीवन में भी आज हम कई सारी अनेकों परिस्थितियों से जा रहे होंगे, बहुत सारे चैलेंजेस से जा रहे होंगे, बट इट्स नॉट टाइम टू गिव अप, हार ना मानिए। आप हमेशा याद रख रही है, हर चीज जो आपके जीवन में हो रही है, दिस कृष्णास डिजायर, भगवान की एक इच्छा छुपी हुई है, बस शांति से रुकिए, बी पेशेंट। आपका मन बहुत बेचैन होगा, बहुत उतावला होगा, पर रिलैक्स कीजिए एंड लेट द टाइम पास। समय अपने आप जैसे जाएगा, पन्ने अपने आप खुलते जाएंगे और आपको भगवान की जो इच्छा है वो समझ आती जाएगी। माता जी ने आज बहुत इंपॉर्टेंट एक बात कही, भगवान से प्रार्थना करना। अब कई लोग सोचते हैं क्या प्रार्थना करें, तो हम अपनी प्रार्थनाओं का लिस्ट लेके पहुंच जाते हैं, मेरी यही इच्छाएं हैं प्रभु आप पूरा कर दीजिए, अगर आप पूरा कर देंगे तो मैं मान लूंगी कि आप प्रभु हैं और आप बहुत प्यारे हो, नहीं तो मेरा विश्वास आपके ऊपर नहीं बन पाएगा। परंतु जब हम भगवान के सामने खड़े होते हैं तो हमें हृदय से उनसे सिर्फ एक ही बात की प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु आप जानते हैं कि मेरे लिए सबसे बेहतर क्या है, जो आपके अनुसार मेरे लिए बेहतर है आप वो ही मुझे प्रदान कीजिए। इससे भगवान आपका विश्वास उन पे देखते हैं और दूसरी चीज भगवान आपका सरेंडरेंस उनके ऊपर देखते हैं, कितने आप समर्पित हैं भगवान के ऊपर, ही सीज दैट। इससे आपका विश्वास भी बढ़ेगा और आपको किसी भी चिंता, किसी भी बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, बिकॉज यू नो एवरीथिंग इज हैपनिंग बाय लॉर्ड्स डिजायर। इस बात को याद रखिए, चिंतन करिए और कल सुबह उठकर भगवान के हरि नाम का जप करने का प्रयास अवश्य करिएगा। पुनः कल आपसे भेंट होगी इसी शो में, इसी समय पर, एक और नए कृष्ण भक्त के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और अच्छी तरह से भगवान के नामों का स्मरण कीजिएगा। Thank you very much, everyone. Hare Krishna.